हेलो गाइस, वेलकम टू सेट टाइम बाउंड गोल। और आज हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं पी वाई क्यूज क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर के। और आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि एमयू ट्रिपल ई बीटेक मैथमेटिक्स के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर से कितने कितने क्वेश्चंस किस ईयर में पूछे गए हैं। सो यू कैन सी कि 2022-23 में एक क्वेश्चन है, 2021-22 में तीन क्वेश्चन है, कभी कभी चार क्वेश्चन भी यहाँ से पूछे गए हैं। सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पी वाई क्यूज को सॉल्व करना। अभी से पहले कि हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करें, मैं आपको बता दूं कि अगर आप एमयू बीटेक के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और अगर आपको चैप्टर वाइज पी वाई क्यूज विथ वीडियो सोल्यूशन की रिक्वायरमेंट है, तो अब ये अवेलेबल है ₹499 में। तो मेक यूज ऑफ द बेस्ट कंटेंट दैट इज अवेलेबल फॉर एमयू बीटेक। नाउ लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग क्वेश्चंस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर वन है यहाँ पे, लेट अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस बी इक्वल टू जीरो एंड गामा डेल्टा बी रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस क्यू इक्वल टू जीरो। इफ अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा आर इन जी पी देन द इंटीजर वैल्यूज ऑफ पी एंड क्यू आर। तो यहाँ पे हम लोग क्या एज्यूम कर लेंगे कि जो भी ये अपने पास अल्फा बीटा गामा डेल्टा ये रूट्स हैं, ये सिंस जी पी में है, तो हम लोग एजम्पशन क्या ले सकते हैं कि ये बीटा अपना अल्फा टाइम्स आर होगा, गामा अल्फा टाइम्स आर स्क्वायर होगा, डेल्टा अल्फा टाइम्स आर क्यूब होगा अगर आर हम एक कॉमन रेशियो लेकर के चलते हैं। तो बाकी अल्फा और बीटा इस पहले इक्वेशन के रूट्स है, तो यहाँ पे सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट के फॉर्मूले लिख सकते हैं हम। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, एक्स का जो कोफिशियंट होता है उसमें निगेटिव साइन लेकर के लिखते हैं हम लोग, दैट डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट जो कि है 1। तो ये आ गया 1। ऐसे ही अल्फा इंटू बीटा अगर करते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट तो वो आ जाता है पी बाई 1 यानी सिंपली पी। तो अल्फा प्लस बीटा का मतलब क्या है अपने पास, अल्फा प्लस बीटा इज बेसिकली अल्फा प्लस अल्फा आर इज इक्वल टू 1। और यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं, अल्फा टाइम्स ऑफ अल्फा इंटू आर दैट इज इक्वल टू पी। ये दो इक्वेशन अपने पास फर्स्ट इक्वेशन के हेल्प से मिल गए। सेम काम यहाँ पे हम लोग इस वाले इक्वेशन में करते हैं अगर, तो क्या लिख सकते हैं, गामा प्लस डेल्टा जो रूट्स है दैट इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, और गामा टाइम्स डेल्टा अगर मल्टीप्लीकेशन करें तो क्यू आ जाएगा। बट ये वैल्यूज हमें ऑलरेडी पता है, अल्फा आर स्क्वायर प्लस अल्फा आर क्यूब इज इक्वल टू 4 है। और अगर यहाँ पे हम लोग बात करें तो ये अल्फा आर स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा अल्फा आर क्यूब से एंड दैट इज इक्वल टू क्यू। तो यहां से हमें क्या मिले, क्या हो जाएगा, अल्फा आर स्क्वायर अगर कॉमन ले लूं तो आ गया 1 प्लस आर दैट इज इक्वल टू 4, और यहाँ आ गया अल्फा स्क्वायर आर टू द पावर 5 इज इक्वल टू क्यू। तो अब इसको सॉल्व करें कैसे, अपने पास एक इक्वेशन ये है अल्फा प्लस अल्फा आर इक्वल टू 1, जहां पे अगर मैं अल्फा को कॉमन लेता तो ये आता 1 प्लस आर इज इक्वल टू 1। तो इसकी हेल्प से अगर मैं इस इक्वेशन को डिवाइड भी कर दूं इससे अल्फा 1 प्लस आर इक्वल टू 1 से, तो आप देख सकते हैं अल्फा और 1 प्लस आर कैंसिल हो जाएगा ओनली। सो मैं बात कर रहा हूँ ये इक्वेशन सपोज थर्ड इक्वेशन है और ये इक्वेशन है फर्स्ट, ये इक्वेशन है सेकेंड, ये इक्वेशन है फोर्थ, ये चार इक्वेशन हैं। तो मैं बात ये कर रहा हूँ कि थर्ड को अगर मैं फर्स्ट से डिवाइड कर दूँ तो क्या मिलेगा, अल्फा और 1 प्लस आर कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4 आ जाएगा, और आई कैन से आर इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। तो अगर r इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 आ गया, तो अगर r इज इक्वल टू 2 पुट करते हैं तो उससे हमें अल्फा की वैल्यू मिलेगी पुट इन 1। तो अगर 1 में रखें तो अल्फा की वैल्यू क्या आएगी, 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आर। तो यहां से अगर हम लोग बात करें तो जब r का वैल्यू 2 रखेंगे तो अल्फा आएगा 1/3, और अगर r की वैल्यू -2 रखेंगे तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी, अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। तो ये अल्फा की वैल्यू अपने पास आ गई है। बट अगर अल्फा 1/3 लेंगे तो जो नेक्स्ट वैल्यूज हैं वो हमें नहीं मिल पाएंगे इन टर्म्स ऑफ इंटीजर, यहाँ पे पी और क्यूब इस बेसिकली इंटीजर होना चाहिए, तो उसके लिए हमें लेना पड़ेगा अल्फा का कौन सा वैल्यू, ये वाला वैल्यू -1। तो अगर हम लोग अल्फा इक्वल टू -1 लेके चले तो जो पी का वैल्यू है, आप देखो पी का वैल्यू कितना है, पी वैल्यू इज सिंपली अल्फा स्क्वायर आर। यहाँ से अब हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं पी इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर आर, तो अल्फा स्क्वायर मतलब -1 का स्क्वायर और आर का मतलब हमने -2 रखा था, तो ये आ गया अपने पास ओवरऑल -2। ऐसे ही क्यू का वैल्यू अगर देखें, यहाँ पे ऑलरेडी है अपने पास, तो क्यू का वैल्यू हो जाएगा अल्फा स्क्वायर आर टू द पावर 5, तो अल्फा स्क्वायर अपने पास क्या है, -1 का स्क्वायर अगेन, और आर टू द पावर 5 का मतलब है -2 टू द पावर 5, तो ये आ गया फिर से -32।
तो -2 और -32 ये अपने पास इंटीजर वैल्यूज है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन रूट ऑफ एक्स माइनस टू प्लस रूट ऑफ 4 माइनस एक्स इक्वल टू रूट 6 माइनस एक्स इज। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले तो हमें ये कंडीशन समझना पड़ेगा कि रूट के अंदर की क्वांटिटीज 0 या 0 से ग्रेटर ही होनी चाहिए। तो इनको तो पहले ही लिख लें ताकि हो सकता है ऑप्शन कुछ तो एलिमिनेट हो जाए यहीं पे। 6 माइनस एक्स ऑल्सो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ गया कि एक्स का वैल्यू 2 से तो बड़ा होना ही चाहिए, यहाँ से आ गया कि 4 से तो छोटा ही होना चाहिए एक्स का वैल्यू, और यहाँ से कंडीशन आ गया कि 6 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स। तो अगर नंबर लाइन पे बात करें, जो सॉल्यूशन हमें मिलेगा अभी ओवरऑल, तो वो कुछ इस तरीके से रहना चाहिए 2 4 6। तो 2 से बड़ा होना चाहिए, 4 से तो छोटा ही होना चाहिए सॉल्यूशन, राइट। और 6 आप देख रहे हो कि 6 से भी छोटा रहना चाहिए सॉल्यूशन, तो कुछ इस तरीके से। तो कौन सा कॉमन पोर्शन है जहाँ, तो सॉल्यूशन हमेशा इसमें लाई करेगा, ये जो पोर्शन है। अब कॉमन रीजन देखो जहाँ पे तीनों लाइंस मैंने ड्रॉ की हैं, तो 2 से 4 तक इस रीजन में सॉल्यूशन अपना। अब वो सॉल्यूशन आएगा कैसे, तो उसके लिए इसको स्क्वायर कर लेते हैं, ठीक है। स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा एक्स माइनस टू प्लस 4 माइनस एक्स प्लस 2 टाइम्स ऑफ रूट ऑफ एक्स माइनस टू और एक्स जो 4 माइनस एक्स है वो एक साथ आ गया, राइट साइड में आ गया 6 माइनस एक्स। तो आप देखो तो ये एक्स और ये माइनस एक्स कैंसिल हो गया, और जो लेफ्ट साइड में टर्म है उधर ही भेज देते हैं, इस -2 और +4 मिला के +2 होगा, उस साइड जाएगा तो -2 होगा, तो 4 माइनस एक्स इधर बचेगा और इधर है अपने पास 2 रूट ऑफ x-2 4 माइनस एक्स। फिर से एक बार स्क्वायर कर देते हैं, तो स्क्वायर करने से क्या आएगा, 4 टाइम्स ऑफ x-2 4 माइनस एक्स, और इधर भी अपने पास क्या आ जाएगा, 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब हम लोग इसको थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 4 माइनस एक्स में देख पा रहा हूँ कॉमन है, तो 4 माइनस एक्स को लेफ्ट साइड में लेके और कॉमन, और फिर बचेगा 4 टाइम्स ऑफ x-2 और -4 टाइम्स 4 माइनस एक्स बचेगा, दैट इज इक्वल टू 0। एक वैल्यू तो आ गया एक्स इक्वल टू 4, बट कोई ऑप्शन में है नहीं, इसका मतलब इसको सॉल्व करके अगर देखें तो अपने पास क्या आंसर आएगा, 4x-8 -4 + x = 0। तो 5x इज इक्वल टू आ गया 12, तो एक्स का वैल्यू आ गया 12/5। 12/5 का मतलब होता है 2.4 के आसपास। अब ऐसा कोई ऑप्शन तो है नहीं, बट अगर आप ध्यान से देखो तो 4+ तो कुछ होगा नहीं, 4 से तो ज़्यादा पॉसिबल नहीं है, तो 2 ऑप्शन तो ऐसे ही चले गए। अब बच गया 4 -4/√5 और 4 -2/√5। तो √5 का जो वैल्यू है, √5 वो 2 पॉइंट समथिंग आएगा, राइट। अगर आप देखो तो 2.2 के आसपास कुछ तो वैल्यू आएगा, तो 4 डिवाइडेड बाई 2 से बड़े नंबर से अगर डिवाइड करेंगे तो थोड़ा सा 1 पॉइंट समथिंग सब्ट्रैक्ट होगा। तो अगर आप 4 में से 4 -4/√5 अगर करेंगे तो ये 2.2 के आसपास जो भी वैल्यू है वो यहाँ पे आएगी, और 4 को डिवाइड करेगा तो 1 पॉइंट समथिंग सब्ट्रैक्ट होगा, और 1 पॉइंट समथिंग सब्ट्रैक्ट होगा तो डेफिनेटली 2 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा यहाँ पे। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो बेसिकली हम लोग ए को बोल सकते हैं, वो भी अप्रोक्सीमेशन से, अदरवाइज जो एग्जैक्ट आंसर आ रहा है वो तो 12/5 आ रहा है, जो कि ऑप्शन में डायरेक्टली गिवन नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ अल्फा बीटा बिलोंगिंग टू सी मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर आर डिस्टिंक्ट रूट्स ऑफ इक्वेशन x²-x+1=0, देन अल्फा पे पावर 101 प्लस बीटा पे पावर 107 इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो अगर मैं कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की बात करूं, तो ओमेगा एक टर्म होता है जिसका मतलब होता है 1 के ऊपर 1/3 पावर, कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जिसे बोलते हैं, और वो ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है, 1 + ω + ω² = 0 एंड ω³ = 1। कोई भी 3 का मल्टीपल होगा तो उसका वैल्यू ओमेगा के ऊपर अगर है तो 1 आ जाएगा। तो इसके बेसिस पे हम लोग सोच सकते हैं कि अल्फा और बीटा क्या रूट्स हो सकते हैं। तो अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करो, तो मैं एक्स की जगह पे अगर -ω पुट कर दूं, तो ये ओवरऑल जो ऊपर वाला इक्वेशन है एट x = -ω, ये इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगा किस में, 1 + ω + ω² बस उल्टा करके लिखा है, 1 को पहले लिख दिया फिर ओमेगा और फिर ω² दैट इज इक्वल टू 0, जो कि हमें पहले से यहाँ पे मैंने बता रखा है कि प्रॉपर्टी होता ही है। ऐसे ही एट एक्स इक्वल टू अगर मैं बात करूँ -ω² रखने की, तो ये x² की जगह पे अगर -ω² रखेंगे तो वो हो जाएगा ω² to the power 4, फिर माइनस माइनस ये हो जाएगा +ω² + 1=0। अब ω³ 1 होता है, यहाँ भी मैंने बता रखा है, तो उसमें से ω³ निकाल के 1 कर देंगे और बच गया ω + ω² + 1=0, ये भी सेटिस्फाई हो रहा है।
इसका मतलब अल्फा की जगह पे क्या है, माइनस ओमेगा, और बीटा की जगह पे क्या है, माइनस ओमेगा स्क्वायर। यही दो रूट्स हैं। तो अगर हम लोग अल्फा पे पावर 101 रखें और बीटा पे पावर 107 रखें, तो देखते हैं क्या आता है। अल्फा माइनस ओमेगा है, माइनस ओमेगा के ऊपर 101, और प्लस बीटा है अपने पास माइनस ओमेगा स्क्वायर पे पावर 107। तो एक तो ये चीज है कि माइनस साइन तो रहेगा क्योंकि ऑड पावर है ऊपर, और बाकी ओमेगा के ऊपर पावर आ गया 101। यहाँ भी माइनस तो रहेगा ही क्योंकि 107 है, ऑड पावर है, बाकी ओमेगा के पावर ऊपर आ गया 214। तो बस अब कुछ नहीं करना है, ये आ गया माइनस ओमेगा स्क्वायर बचेगा सिर्फ, क्योंकि बाकी जो पावर 99 है ना, उसकी जगह पे हम 1 यूज कर सकते हैं, क्योंकि ओमेगा के ऊपर कोई भी 3 का मल्टीपल होगा तो वो जो है बिल्कुल 1 हो जाता है। तो जो भी पावर है उसको बस आप 3 से डिवाइड करें और जो रिमाइंडर बच जाए उसको ओमेगा पे लिखते हैं। जैसे 214 है यहाँ पे पावर में, तो फिर से हम 3 से डिवाइड करेंगे तो पता चलेगा कि सिर्फ ओमेगा बचेगा, बाकी सब डिवाइड हो गया, यानी पावर सिर्फ 1 बचेगा, क्योंकि रिमाइंडर 1 आएगा 214 को। 3 से आप मन में डिवाइड करके देख लो, तो माइनस कॉमन लेंगे तो ये आ गया ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा। अब इस प्रॉपर्टी की हेल्प से हम लोग तुरंत लिख सकते हैं कि ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्या होता है, -1। तो यहाँ पे अगर वैल्यू रख दूं माइनस ऑफ -1, तो आंसर कितना आ गया, 1। करेक्ट ऑप्शन है ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 2 एंड पी टू द पावर 4 प्लस क्यू टू द पावर 4 इज 272, देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर पी एंड क्यू इज। तो अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हमें पता है पी और क्यू, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेसिकली ऐसे लिखा जाता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। तो ऑलरेडी अगर आप ध्यान से देखो तो सम ऑफ रूट्स तो पता ही है 2, तो सिर्फ और सिर्फ हमें क्या फाइंड करना है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आंसर आ जाएगा। तो यही अपना इक्वेशन आएगा, इसीलिए हर एक ऑप्शन में आप देखो तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x तो सेम ही है, सिर्फ ये वाले नंबर्स डिफरेंट हैं, +16 +8 32 ऐसे करके। तो हमें बस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कैसे भी फाइंड कर लेना है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड करने की कोशिश करते हैं। ये जो डेटा है इसको यूज करेंगे, इसको मैं लिख सकता हूँ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर करके, और होल स्क्वायर लिख सकता हूँ ताकि ये पी टू द पावर 4 क्यू टू द पावर 4 आ जाए, बट जो एक्स्ट्रा टर्म आएगा उसको सॉर्ट आउट करने के लिए ये सबट्रैक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जब आप स्क्वायर करोगे इस ब्रैकेट का तो +2 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आएगा, जिसको हमें कैंसिल करना पड़ेगा, क्योंकि हमें तो सिर्फ पी टू द पावर 4 क्यू टू द पावर 4 दिया था, तो ये मैंने जानबूझ के इसलिए माइनस कर दिया, और ये वैल्यू है 272 के इक्वल। अब ये जो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर है इसको और ज्यादा ब्रेक करते हैं, इसको लिख सकते हैं पी प्लस क्यू का स्क्वायर माइनस अगेन 2 PQ, सेम उसी लॉजिक के अकॉर्डिंग, और ये ओवरऑल इसका स्क्वायर था, -2 टाइम्स ऑफ पी क्यू का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, और ये आ गया 272। तो अभी अगर आप देखो तो पी प्लस क्यू होल स्क्वायर आ गया, तो ये आ गया 4 बेसिकली फिर से, और माइनस अपने पास आ गया 2 PQ, और इसका स्क्वायर -2 PQ का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 272। अगर आप सॉल्व नहीं करना चाहते हो तो ऑप्शन से उठा उठा के भी चेक कर सकते हैं, ऐसा कुछ इशू नहीं है। तो अगर मैं स्क्वायर करूं तो ये आ गया 16 -16 PQ का होल स्क्वायर, आई मीन नॉट स्क्वायर, यहाँ पे तो स्क्वायर नहीं आएगा, बट अगले टर्म में अपने पास +4 PQ² आएगा। तो ये आ गया 16 PQ + 4 PQ² और यहाँ पे था पहले से -2 PQ² = 272। तो सब कुछ सिंप्लीफाई करके अगर लिखें तो 2 टाइम्स ऑफ PQ² -16 PQ, करेक्ट, ये सॉल्व करके लिख दिया, -16 PQ लिख दिया। 272 को लेफ्ट में अगर लेके आते हैं तो अपने पास 272 - 16 अगर करते हैं तो ओवरऑल कितना आ जाएगा, इट विल बी 256 बट विथ माइनस साइन, तो ये इक्वल टू 0 आ गया। 2 से ओवरऑल डिवाइड करके लिख सकते हैं पी क्यू होल स्क्वायर -8 PQ - 128 इज इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक बन गया जिसको हम इजीली सॉल्व करके पी क्यू की वैल्यू निकाल सकते हैं, अदरवाइज आप ऑप्शन से भी चेक कर सकते हो। जैसे कि अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन से ही प्रोडक्ट ऑफ रूट, बेसिकली क्या होता है, अगर ये इस तरीके से इक्वेशन लिखा गया है AX² + BX + C = 0, और अल्फा और बीटा दो रूट्स हैं, तो अल्फा इंटू बीटा होता है C/A, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट होता है। तो अगर बात करें फर्स्ट ऑप्शन की, तो फर्स्ट ऑप्शन में प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या है, 16, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट 1 है, तो आप चाहो तो यहाँ पे वेरीफाई भी कर सकते हो 16 पुट करके, 16² - 8 * 16 - 128 कितना आ रहा है, तो 16 का स्क्वायर होता है 256, और -8 * 116 करेंगे तो ये आ जाएगा 128, -128 ये एग्जैक्टली इसको सेटिस्फाई कर रहा है,
मतलब पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो आप चाहो तो क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर सकते हो या डायरेक्ट ऑप्शंस का भी हेल्प ले सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है द सम ऑफ रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस टू टू द पावर 2008x प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस टू टू द पावर 2007 प्लस टू इंटू टू टू द पावर 4013 माइनस वन इक्वल टू जीरो इज। तो इस पर्टिकुलर केस में हमारे पास दो केसेस प्रेजेंट हो सकते हैं, केस वन केस टू। यहाँ पे हम मॉड को ओपन करने की कोशिश करेंगे। अगर मैं एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 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 द पावर 2007 लेके चलता हूँ तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ इस प्रकार से दिखेगा, एक्स स्क्वायर माइनस टू टू द पावर 2008x प्लस मॉड हट जाएगा बिना किसी निगेटिव साइन के, तो काम एकदम आसान हो जाएगा, प्लस टू टाइम्स ऑफ टू टू द पावर 4013 माइनस वन इक्वल टू जीरो। ऐसे ही केस टू में अगर हम एक्स की वैल्यू लेस देन टू टू द पावर 2007 रखते हैं तो इस बार मॉड माइनस साइन और क्वाड्रेटिक कुछ इस तरीके से दिखेगा, एक्स स्क्वायर माइनस टू टू द पावर 2008x प्लस की जगह पे इस बार क्या आ गया, माइनस। ये जो प्लस यहाँ पे था अब मॉडुलस निगेटिव साइन के साथ ओपन होगा, तो माइनस ऑफ एक्स माइनस टू टू द पावर 2007 और बाकी का टर्म एज इट इज रहेगा टू 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 द पावर 4013 माइनस वन। तो इस तरीके से प्लस टू 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 द पावर 4013 माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। तो अगर इस वाले केस से हम लोग थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखें, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स तो ये वन माइनस टू टू द पावर 2008 हो जाएगा और बाकी का टर्म एज इट इज इक्वल टू जीरो हो गया। हमें पता है कि अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए होता है। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो सम ऑफ रूट्स आएगा वो हो जाएगा माइनस बी बाई ए करने पे टू टू द पावर 2008 माइनस वन हो जाएगा, करेक्ट, एंड डिवाइडेड बाई वन। तो ओवरऑल ये आ गया टू टू द पावर 2008 माइनस वन। अगर ये वाला केस से सॉल्व करें तो यहाँ पे भी अगर आप ध्यान से देखो तो ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स कॉमन लेते ही ये आ गया टू टू द पावर 2008 और ये आ जाएगा प्लस वन और बाकी यहाँ पे जो भी टर्म है एज इट इज रखेंगे। तो इस बार अगर यहाँ के रूट्स को अल्फा डैश बीटा डैश माने तो यहाँ पे सम ऑफ रूट्स आ गया टू टू द पावर 2008 प्लस वन। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई डायरेक्टली ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, जो गिवेन आंसर था वो था टू टू द पावर 2008। तो प्रोबेबली यहाँ पे कुछ मिसप्रिंटिंग वगैरह के पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, या फिर एक बार आप खुद से भी एनालाइज करिएगा क्या कहीं पे यहाँ पे कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं। बट अदरवाइज आई थिंक कि वी हैव सॉल्व दिस करेक्टली, हमने सिर्फ मॉड को करेक्ट ओपन किया है। तो थोड़ा सा डाउटफुल क्वेश्चन जरूर है, डू चेक इट वंस। लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, लेट एफ एक्स इक्वल टू एक्स यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस वन हैव एक्सट्रीमा एट एक्स इक्वल टू अल्फा कॉमा बीटा सच दैट अल्फा इंटू बीटा लेस देन जीरो है और एफ ऑफ अल्फा इंटू एफ ऑफ बीटा ऑल्सो लेस देन जीरो, देन एफ एक्स इक्वेशन हैज थ्री इक्वल रूट्स, वन निगेटिव रूट विद सम कंडीशन, ऐसे करके ऑप्शन हमारे पास फ्रेम्ड है। तो यहाँ पे बात करते हैं कि अगर ये क्यूबिक इक्वेशन है तो कुछ इस तरीके से एक बार जरा ड्रॉ करते हैं सिचुएशन को। हमारे पास एक्सट्रीमा की बात की गई है, अब एक्सट्रीमा तो मैक्सिमा मिनिमा वैल्यू कुछ भी हो सकता है एक्सट्रीमा का मतलब। तो हम एक एज्यूम करते हैं सिचुएशन, ये रहा एक्स इक्वल टू अल्फा और ये रहा एक्स इक्वल टू बीटा जहाँ पे एक्सट्रीमा है। एक्सट्रीमा मतलब अब किसी पे भी मैक्सिमा होगा किसी पे भी मिनिमा होगा। हम हो सकता है कि जहाँ पे बीटा है वहां पे अल्फा लिख सकते हैं, अल्फा की जगह बीटा लिख सकते हैं, बिकॉज वो सब तो यहाँ पे मेंशन नहीं है, जस्ट एक केस एज्यूम करते हैं। और ये इस तरीके से मान लेते हैं अपना एक्स एक्सिस है, राइट, ये यहाँ पे कहीं इंटरसेक्ट कर रहा होगा आगे। तो बेसिकली तीन रूट्स आप देख सकते हैं और क्यूबिक है तो तीन रूट्स तो होगा ही, तो दो पॉइंट पे अपने पास एक्सट्रीमा यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो डेफिनेटली एक जो रूट होगा, अगर मान लेते हैं कि इसमें अल्फा वन अल्फा टू अल्फा थ्री ये तीन रूट्स हैं गिवन इक्वेशन के, तो उसमें से एक रूट तो डेफिनेटली अल्फा और बीटा के बीच में ही आएगा। तो पहला ऑप्शन अगर हम देखें थ्री इक्वल रूट्स तो वो तो यहाँ पे सेटिस्फाई करेगा ही नहीं, थ्री इक्वल रूट्स तो पॉसिबल नहीं है। बाकी अगर आप ध्यान से देखो तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, अल्फा इंटू बीटा वहां पे बोला जा रहा था लेस देन जीरो, तो हम मान के चल रहे हैं कि अल्फा इंटू बीटा लेस देन जीरो का क्या मतलब निकल सकता है, कि या तो अल्फा लेस देन जीरो है और बीटा ग्रेटर देन जीरो, और आई कैन से अल्फा ग्रेटर देन जीरो है तो बीटा लेस देन जीरो होगा। तो अल्फा और बीटा में से कोई भी एक निगेटिव रहना चाहिए और एक पॉजिटिव रहना चाहिए, बाकी ये वाला कंडीशन तो यहाँ पे सेटिस्फाई होगा। कि आप देखो एक जगह पे जब एक्स इक्वल टू बीटा पे हम लोग देख रहे हैं तो कर्व ऊपर है, यानी अभी फिलहाल जो सिचुएशन है वो ये है कि एफ ऑफ अल्फा अपने पास एफ ऑफ बीटा बेसिकली अपने पास पॉजिटिव है और एफ ऑफ अल्फा निगेटिव है, नॉट पॉजिटिव, ये निगेटिव है अपने पास एफ ऑफ अल्फा की वैल्यू।
डायग्राम से दिख रहा है, ये जो केस अभी फिलहाल हमने लिया है, तो ये सिचुएशन भी सेटिस्फाई करेगी जो क्वेश्चन में गिवन था। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सारा सिचुएशन सेटिस्फाई कर रहा है। अब अगर बी ऑप्शन को देखें, वन निगेटिव रूट इफ एफ अल्फा इज लेस देन जीरो, तो एफ अल्फा तो लेस देन जीरो है ही है और एफ बीटा ग्रेटर देन जीरो है, तो उसमें बोला जा रहा है कि वन निगेटिव रूट। अब ये हम कैसे बोल सकते हैं, अगर हम लोग ये वाला केस पकड़ लेते हैं अल्फा लेस देन जीरो, तब तो अल्फा लेस देन जीरो में ये निगेटिव है, अल्फा लेस देन जीरो, तो उसमें सिर्फ एक ही निगेटिव रूट होगा, ये हम तुरंत तय नहीं कर सकते, क्योंकि क्या पता ये अल्फा टू कहाँ पे हो सकता है, अल्फा टू भी यहाँ पे आसपास हो अल्फा के और वो निगेटिव हो, और अल्फा वन तो उसके पीछे है तो वो भी निगेटिव हो, तो दो दो निगेटिव रूट्स की पॉसिबिलिटी हो सकती है। सी ऑप्शन में बोला जा रहा है कि वन निगेटिव रूट इफ एफ अल्फा इज पॉजिटिव, तो इसी का उल्टा ग्राफ बना लेंगे फिर, ठीक है, ये कुछ इस तरीके से अगर ग्राफ ऐसे बना लें, और इस बार ये बोल रहे हैं कि एक्स इक्वल टू अल्फा यहाँ पे है और एक्स इक्वल टू बीटा यहाँ पे है, तो अब एफ अल्फा ये पॉजिटिव हो गया, एफ बीटा लेस देन जीरो दिख रहा है ग्राफ में, तो वन निगेटिव रूट होगा यहाँ पे। अब ये वाला कंडीशन अगर हम लोग सेटिस्फाई करने की कोशिश करें, तो हो सकता है यहाँ पे ये जो एक्स इक्वल टू अल्फा है ये अपने पास पॉजिटिव भी हो सकता है निगेटिव भी हो सकता है, अगर इसको हम लोग पॉजिटिव ले रहे हैं तो है और ये ग्रेटर देन जीरो है, राइट। तो अब इस पर्टिकुलर केस में वन निगेटिव रूट बोला जा रहा है, तो ये अगर एक्स इक्वल टू अल्फा निगेटिव हम लोग लेके चल रहे हैं, तो आप देखो उसके पहले एक रूट तो यहीं पे हो गया वन निगेटिव रूट, और दूसरा ये जो बीच में रूट है अपने पास, वो गारंटी के साथ हम नहीं कह सकते ना कि हमेशा पॉजिटिव होगा, क्योंकि क्या पता ये जो एक्स इक्वल टू बीटा है जो कि हम लोग पॉजिटिव लेके चल रहे हैं, वो अभी अभी जस्ट पॉजिटिव हुआ और उसके पहले ये वैल्यू निगेटिव रहा हो, तब तो ये वाला रूट भी हम निगेटिव काउंट करेंगे ना, तब तो दो दो निगेटिव रूट हो जाएंगे, ये वाला और ये बीच का जो रूट है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी भी इनकरेक्ट है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा फिलहाल तो नन ऑफ दीज हो जाएगा, क्योंकि कोई भी सिचुएशन क्लियरली मैच नहीं कर रहा है बेस्ड ऑन द गिवन इंफॉर्मेशन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेवन है, लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यहाँ पे एक्स स्क्वायर साइन थीटा माइनस एक्स साइन थीटा कॉस थीटा प्लस वन प्लस कॉस थीटा इक्वल टू जीरो, जहाँ पे थीटा 0 से π/4 तक बिलोंग करता है, तो वहाँ पे एक समेशन का वैल्यू हमसे पूछा जा रहा है। तो इस समेशन में हम लोग क्या कर सकते हैं, पहले यहाँ पे एन इक्वल टू जीरो, ये ए नहीं है ये अल्फा ही है, इसको अलग अलग अप्लाई कर सकते हैं, ये इनफाइनाइट तक हमें जाना है एन इक्वल टू जीरो से इनफाइनाइट, तो अल्फा पे और एन पे अलग से अप्लाई कर लेते हैं, और यहाँ पे एन इज इक्वल टू जीरो टू इनफाइनाइट एक बार इस पे भी अप्लाई कर लेते हैं -1 पे पावर n/βn। तो अब अगर वैल्यू पुट करें 0, तो ये आ जाएगा पहले तो 1, फिर आएगा अल्फा, फिर आएगा अल्फा स्क्वायर एंड सो ऑन टिल इनफाइनाइट, प्लस ऐसे ही जब एन इक्वल टू 0 यहाँ पुट करेंगे तो ये आएगा 1 बाई बीटा टू द पावर n, तो वो बेसिकली बीटा टू द पावर एन जो है वो टर्म भी 1 ही हो जाएगा, तो मैं लिख सकता हूँ पहला टर्म तो 1 हो गया, ठीक है, और दूसरा टर्म अपने पास जैसे ही हम लोग एन इक्वल टू 1 रखेंगे ये आएगा -1 बाई बीटा, फिर पहले टर्म तो निगेटिव आया बट एन इक्वल टू 2 पे -1 का स्क्वायर हो जाएगा, तो प्लस साइन आएगा विथ बीटा स्क्वायर एंड सो ऑन, ये चलता जाएगा इन्फिनिटी तक, ये माइनस फिर बीच में कुछ कुछ टर्म आएंगे फिर प्लस, तो अब ये सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी हो गया। इसको हम लोग अगर एक्सप्रेस करेंगे तो ये एक बार हम ऑब्जर्व करें कि अल्फा और बीटा बेसिकली रूट्स जो इस गिवन इक्वेशन के हैं वो है क्या, तो ज़्यादा अच्छे से हम लोग आगे बढ़ पाएंगे, बट अभी फिलहाल के लिए इसको क्या लिख सकते हैं, अगर कहीं पे हमारे पास ए प्लस ए आर प्लस इस तरीके से इनफाइनाइट तक हम लोग जाते हैं, तो उस सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला होता है a/1 - r, तो यहाँ पे पहला टर्म तो 1 ही है तो 1 - α हो जाएगा सीधे सीधे, और दूसरे वाले केस में अगेन पहला टर्म 1 है बट इस बार जो कॉमन रेशियो है वो है -1/β, तो -1/β यहाँ पे इस तरीके से 1 - r की जगह पे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो ओवरऑल जो हमारा आंसर आएगा वो कुछ इसी तरीके से आएगा कि हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, हाँ -β कर रहे हैं तो ये प्लस हो जाएगा, बेसिकली फॉर्मूले में 1 - r है ना, तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर केस के लिए जो हमारा कॉमन रेशियो है वो बेसिकली -1/β है, तो इसलिए -, वहाँ पे प्लस हो गया। अच्छा ये 1 माइनस अपने पास 1/1 - α है, और ये हो जाएगा β/1 + β लिख सकते हैं नीचे, तो बस हमें ये टर्म अब सॉल्व करके लिख देना है, तो हमें कहीं से बस अल्फा और बीटा चाहिए, तो अगर आप इक्वेशंस को देखें यहाँ पे x²sin θ - x sin θ cos θ + 1 cos θ = 0, तो यहाँ पे एक रूट तो cos θ ही दिख रहा है क्लियर कट,
आप एक बार ध्यान से देखो, अगर मैं x की जगह पे cos थीटा यहाँ पे पुट करता हूँ, तो ये वाला जो टर्म है वो क्या बनेगा, cos स्क्वायर थीटा साइन थीटा, और यहाँ पे भी माइनस साइन आएगा, और x cos थीटा पुट कर रहा हूँ तो ये एक cos थीटा अंदर है, तो उसके साथ मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, साइन थीटा cos स्क्वायर थीटा, और cos थीटा जा करके ये प्लस वन से मल्टीप्लाई हुआ होगा तो माइनस cos थीटा हुआ, और बाहर एक प्लस cos थीटा लिखा ही हुआ है, तो ये बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है जीरो। अब देख लो x इक्वल टू cos थीटा एक सॉल्यूशन है, तो बेसिकली ये जो अल्फा है वो तो वही हो जाएगा, पहला मान सकते हैं रूट, तो ये तो हो गया 1/1 माइनस cos थीटा। अब बात रहती है बीटा की, कि बीटा जो है वो क्या है, तो बीटा अगर आप ध्यान से देखो, दूसरा रूट तो वो 1/sin थीटा है, यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, ऑप्शन से भी पता लग रहा है ना, ऑप्शन से भी अगर आप ध्यान से देखो तो 1+ लिखा हुआ है यहाँ पे ऑप्शन में, साइन थीटा यहाँ पे भी साइन थीटा, जबकि हमारे पास 1+ क्या है, स्टार्टिंग में क्या था, 1+1/β था, तो वहां से भी कुछ गेस कर यहाँ पे शो करूँ इस चीज को, कि एक्स स्क्वायर साइन थीटा माइनस एक्स साइन थीटा कॉस थीटा, और ये इक्वेशन को एक्सपेंड करने पे फिर माइनस एक्स आएगा प्लस कॉस थीटा, ये जीरो आ रहा है कि नहीं, तो एक्स इक्वल टू 1/sin थीटा पे इस चीज को हम चेक कर सकते हैं कि ये भी रूट है कि नहीं, तो जैसे ही इसमें पुट करेंगे, अब देख लो स्क्वायर होगा नीचे बचेगा 1/sin थीटा, फिर माइनस यहाँ पे भी 1/sin थीटा रखेंगे कैंसिल आउट हो जाएगा, कॉस थीटा बचेगा, फिर माइनस 1/sin थीटा बचेगा और प्लस कॉस थीटा बचेगा, तो सारी चीजें कैंसिल हो रही हैं, एवरीथिंग कम्स आउट टू बी जीरो, इसका मतलब बीटा की जगह पे 1/sin थीटा लिख सकते हैं, दैट डिवाइडेड बाई 1+1/sin थीटा अगेन, तो ये ओवरऑल सॉल्व होके क्या आ गया, 1/1 cos थीटा तो आएगा ही, तो ये 1/1 cos थीटा देख के ही आप बी और डी ऑप्शन को हटा सकते हो, क्योंकि वहां पे 1+cos थीटा लिखा हुआ है, और उसके बाद से बस ये देखना है कि अब अपने पास ए और सी ऑप्शन में कौन सा करेक्ट है, क्योंकि उसमें बीच में एक बार प्लस है और एक बार बीच में माइनस है, तो एक्चुअल में आपको ज्यादा सॉल्व करने की नीड है नहीं, आप देखो बीच में यहाँ पे क्या है, अपने पास प्लस है, तो सीधे सीधे वहीं से पता चल गया कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होगा, है कि नहीं, यहाँ पे बीच में हमारे पास प्लस साइन है ना हर जगह पे, ये तो समेशन था, तो समेशन में बीच में प्लस आएगा ही, तो हमें ये सब रिक्वायरमेंट है नहीं, जो ये साइड में आपको करके शो कर रहा हूँ, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पज मैं बता रहा हूँ कि ये अपना कुछ और नहीं बीटा था, ये अपना एक्स इक्वल टू कॉस थीटा अल्फा था, जब हम इसको अरेंज करके सॉल्व कर लेंगे तो ये साइन थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, ये अपने पास 1/1+sin थीटा आ जाएगा, सो दिस इज आवर आंसर फर्स्ट ऑप्शन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है, फॉर एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस 3 मॉड एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0 टू हैव रियल सॉल्यूशंस द रेंज ऑफ ए इज, तो एक्स स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव रहता है, काम करते हैं इस एक्स स्क्वायर को भी हम मॉड एक्स का स्क्वायर लिख लेते हैं, उससे कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि एक्स स्क्वायर भी पॉजिटिव मॉड एक्स भी पॉजिटिव रहता है, माइनस ए प्लस 3 वो अपने पास मॉड एक्स प्लस, क्वेश्चन नंबर 8 है, फॉर एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस 3 मॉड एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0 टू हैव रियल सॉल्यूशंस द रेंज ऑफ ए इज, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो एक्स स्क्वायर है उसको भी हम मॉड एक्स का स्क्वायर लिख लेते हैं, क्योंकि एक जगह पे मॉड एक्स है, तो यहाँ भी मॉड एक्स लिखने से कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि एक्स स्क्वायर भी पॉजिटिव होता है, मॉड एक्स का भी स्क्वायर करें वो भी पॉजिटिव होगा, माइनस ए प्लस 3 मॉड एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0, तो बेसिकली अगर हम मॉड एक्स की जगह पे वाई ले लेते हैं तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा ही है, वाई स्क्वायर, या इवन अगर आपको वाई एजम्पशन से प्रॉब्लम है तो आप कैपिटल एक्स ले लो जिसमें आप कंफर्टेबल हो, तो मॉड एक्स की जगह पे अगर हम कैपिटल एक्स लेके सॉल्व करें तो ये कैपिटल एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस 3 कैपिटल एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक हो गया। अब हमें पता है कि अगर कोई क्वाड्रेटिक ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है तो उसका डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू जो होता है वो होता है बी स्क्वायर माइनस 4 AC इक्वल टू 0 हो सकता है, लेस देन 0 हो सकता है, ग्रेटर देन 0 हो सकता है, बट रियल सॉल्यूशन के लिए उसको ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना ही चाहिए फॉर रियल सॉल्यूशंस, नहीं तो इमेजिनरी सॉल्यूशन आ जाएगा, सो फॉर रियल सॉल्यूशन ये कंडीशन है, यही अप्लाई कर देते हैं यहाँ पे, तो डी का वैल्यू क्या हो गया, बी स्क्वायर का मतलब माइनस ए प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे तो ए प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 4 टाइम्स ऑफ ए का वैल्यू है 1 और सी का वैल्यू है 4, तो ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 करेंगे, तो इसका मतलब ए प्लस 3 होल स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अगर अप्लाई करें तो एक ब्रैकेट में क्या आ गया, ए प्लस 3 प्लस 4 यानी ए प्लस 7 आ जाएगा, और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा ए
3 माइनस 4 यानी ए माइनस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यानी सॉल्यूशंस कुछ इस तरीके से आएंगे। यहाँ पे एक आ गया -7 और यहाँ पे एक आ गया 1, तो -7 और 1 है और ग्रेटर देन 0 का सिंबल है, यानी कि इसके पीछे वैल्यू होगा या फिर इसके आगे वैल्यू होगा 1 के। तो ये अपने पास फिलहाल कंडीशन आ रहा है, राइट। अब जो रूट्स हैं, अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे मॉड एक्स सॉल्यूशन था। अब ये यहाँ से अगर हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लिख के एक्स का वैल्यू निकालने की कोशिश करें, तो ये होता है माइनस ऑफ द कोफिशियंट ऑफ एक्स, यानी कि ए प्लस 3 आ गया, और बीच में साइन आता है प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर, यानी कि ए प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 4 टाइम्स ऑफ ए सी करेंगे तो वही 16 आएगा अपने पास, एंड दैट डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। तो बेसिकली प्लस अगर बीच में रखते हैं तब तो उस कंडीशन में ओवरऑल एक्स का वैल्यू बेसिकली पॉजिटिव आएगा ही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी एक्स का एक सोल्यूशन तो ये भी होगा ना, ए प्लस 3 और माइनस रूट के अंदर ए प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 16 दैट डिवाइडेड बाई 2। अब ये एक्स बेसिकली क्या था, ये मॉड एक्स की जगह हमने यूज किया था, यानी कि ये पॉजिटिव आना चाहिए, एक्स का वैल्यू पॉजिटिव पक्का आना चाहिए। तो अब अंदर जो रूट के टर्म है ए प्लस 3 का स्क्वायर, वो तो अगर ए प्लस 3 निगेटिव भी हुआ तो पॉजिटिव ही आएगा, तो रूट का कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो हमें हमने सॉल्व भी कर लिया है, उसके बेसिस पे दो आंसर दिख भी रहा है और ऐसा लग सकता है कि ऑप्शन ए करेक्ट है। बट थोड़ा सा ध्यान से आप देखो, ए प्लस 3 को पॉजिटिव रहना ही पड़ेगा कम से कम, क्योंकि तो अगर ए प्लस 3 पॉजिटिव नहीं हुआ, निगेटिव हो गया, तो एक तो माइनस साइन यहाँ पे भी लगा हुआ है और माइनस साइन के पहले जो टर्म है वो भी निगेटिव हो गया, तब तो कैपिटल एक्स ही निगेटिव हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब ए का वैल्यू तो -3 से ज्यादा होना ही चाहिए किसी भी हालत में। तो अब यहाँ पे कहीं -3 होगा तो -3 के आगे होना चाहिए, लेकिन ऑलरेडी यहाँ पे कंडीशन है कि 1 से ही आगे हो सकता है, 1 से पीछे और -7 तक तो वैल्यू पॉसिबल भी नहीं था फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से, जो डिस्क्रिमिनेंट वाला कंडीशन है, तो वो तो बिल्कुल सेटिस्फाई होना चाहिए। तो कौन सा कॉमन सोल्यूशन निकला कि ये 1 के आगे रहे, तो दोनों बातें सेटिस्फाई हो जाएंगी, -3 से भी बड़ा हो जाएगा और डिस्क्रिमिनेंट का भी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है, यहाँ पे द कंस्ट्रेंट्स -x1 प्लस x2 इज लेस देन और इक्वल टू 1, -x1 प्लस 3x2 इज लेस देन और इक्वल टू 9, x1 x2 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो ये हमें आइडेंटिफाई करना है कि ये बाउंडेड फिजिबल स्पेस है, अनबाउंडेड फिजिबल स्पेस है, या बोथ करके एक ऑप्शन दिया है, नन ऑफ दीज है। तो हमें क्या करना है, आप इसको नंबर लाइन के ऊपर, यानी कि बेसिकली नॉट नंबर लाइन, एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम पे बेसिकली आप इसको प्लॉट कर लो। तो जो एक्स एक्सिस है उसी को x1 नाम दे देते हैं, वाई एक्सिस को x2 दे देते हैं, क्योंकि x1 x2 दो वेरिएबल्स हैं। तो अगर हम लोग ये इनइक्वालिटी हटा करके पहले लाइंस को ड्रॉ कर लें तो ज्यादा बेटर होगा। तो पहला लाइन अगर हम लोग देखें तो -x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 1 है। तो अगर मैं x1 को 0 पुट करता हूँ तो x2 अपने पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, यानी ये 0,1 आ गया। अगर मैं x2 को 0 पुट करता हूँ तो x1 का वैल्यू -1 आएगा, यानी कहीं पे ये वैल्यू आ गया -1,0, यानी कि ये लाइन कुछ इस तरीके से पास करेगा। लेट सपोज ये पॉइंट यहाँ पे था, तो ये कौन सा लाइन हमने ड्रॉ कर लिया, ये वाला पहला वाला जो इनइक्वालिटी से मैंने इक्वल टू लेकर के इसको लिख लिया। फिर सेकेंड वाला जो सिस्टम दिया है ये वाला, यहाँ पे भी अगर मैं लिख लूँ -x1 प्लस 3x2 दैट इज इक्वल टू जस्ट 9, तो देखते हैं क्या आता है। x1 अगर मैं 0 पुट करता हूँ तो x2 की वैल्यू क्या आएगी, x1 अगर 0 रखते हैं तो x2 की वैल्यू आ जाएगी 9/3 यानी 3। तो x1 0 रखने पे x2 का वैल्यू 3 तो कहीं यहाँ पे ऊपर आएगा, यानी ये रहा 0,3 पॉइंट। और अगर इसी में हम लोग x2 को 0 रखते हैं तो x1 का वैल्यू -9 आएगा, यानी इसको मुझे थोड़ा और एक्सटेंड करना पड़ेगा, -9 कहीं यहाँ पे, -9,0, ठीक है। इसी में अगर हम लोग क्या पुट करें, x2 को 0 पुट करें, तो उस पर्टिकुलर केस में x1 अपने पास क्या आ गया, -9। तो ये पॉइंट्स हम लोग निकाल निकाल के बस सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, उससे अब दूसरा वाला लाइन भी हमें पता चल गया कि कुछ यहाँ पे ड्रॉ होगा इस तरीके से, ये अपने पास लाइन हो गया। अब ये जो लेस देन और ग्रेटर देन सिंबल है उनको देख लेते हैं। x1 x2 बोला जा रहा है कि ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी इस रीजन में हमें रहना है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो ये लेफ्ट साइड में जो भी डायग्राम बना है उससे एक्चुअल में देखा जाए तो कोई मतलब भी नहीं है, तो ये आगे की तरफ जाएगा और ये भी कहीं जाके आगे इंटरसेक्ट कर रहा होगा। अब बात करते हैं कि इनइक्वालिटी में अगर हम लोग x1 x2 की जगह पे 0 0 पुट करते हैं, ये वाला पॉइंट ओरिजिन वाला पॉइंट, तो उस पर्टिकुलर केस में अगर हम फर्स्ट इक्वेशन को देखें तो x1 x2 को 0 पुट करते समय 0 से ग्रेटर देन 1 आ जाएगा, जो कि बिल्कुल सही है,
इसका मतलब सॉल्यूशन इसके इस साइड ही ओरिजिन के साइड पे ही लाई करेगा। ठीक है, तो ये येल्लो वाला जो लाइन फर्स्ट लाइन हमने ड्रॉ किया था उसके इस साइड ही सॉल्यूशन लाई करेगा। दूसरे वाले को अगर चेक करें उसमें भी अगर ओरिजिन को 0 0 पुट करते हैं तो उस साइड भी 9 ग्रेटर देन 0 आ जाएगा, यानी उसके लिए भी सॉल्यूशन क्या होगा कुछ इस तरीके से इस साइड ही आएगा। राइट, तो ये कोई भी बाउंडिंग नहीं हो रहा है, ये पूरा सॉल्यूशन है, ये पूरा ही सॉल्यूशन है, कोई बाउंड हो ही नहीं रहा है। ये कहाँ तक जाएगा कोई इसका पर्टिकुलर बाउंडनेस नहीं है, एक दायरे में बंद नहीं है ये स्पेस। दैट इज वाई इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, अनबाउंडेड फिजिबल स्पेस। क्योंकि अब ये जो एरो मार्किंग कर रहा हूँ ये कहीं भी जा सकता है, आप इसको और बढ़ा लो, एक्सटेंड कर लो, देयर इज नो प्रॉब्लम। सो अनबाउंडेड फिजिबल स्पेस का फॉर्मेशन यहाँ पे हो रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है, इफ बोथ रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 2a - 1x प्लस 2a + 1 = 0 आर पॉजिटिव वेयर ए इज रियल नंबर, देन ए कहां से कहां तक बिलोंग करेगा। पहले तो दो रूट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं उसके लिए कंडीशन हम लोग लगा सकते हैं दैट डी हैज टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, क्योंकि दोनों रूट्स ही पॉजिटिव हैं। तो हो सकता है दोनों रूट्स इक्वल भी हो सकता है दोनों रूट डिस्टिंक्ट हो, इसलिए डी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 कर सकते हैं। दूसरा, सम ऑफ रूट्स जो होगा वो भी तो पॉजिटिव होगा और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स वो भी पॉजिटिव होगा। राइट, तो ये कुछ कंडीशंस हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो पहले से स्टार्ट करते हैं जहां पे डी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। तो डी का मतलब होता है डिस्क्रिमिनेंट, जो कि होता है बी स्क्वायर, जो कि बी का मतलब एक्स का कोएफिशिएंट। तो जैसे ही एक्स का कोएफिशिएंट का स्क्वायर करेंगे ये बन जाएगा 4 टाइम्स a - 1 का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स a * c। तो ए का मतलब जो डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला में होता है वो होता है कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो वो तो 1 है, और कॉन्स्टेंट की जगह पे ये 2a + 1 लिखा गया है। तो ये वैल्यू ओवरऑल ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। 4 तो कॉमन लेके और राइट साइड पे उसको एडजस्ट कर देंगे, बाकी को एक्सपेंड करके लिखते हैं a² - 2a + 1, यहाँ आ जाएगा -2a - 1 > 0। इसका मतलब क्या आ गया, a² - -4a > 0, यानी a अगर कॉमन ले लिया जाए तो a - 4 > 0। और नंबर लाइन पे अगर बात करें तो ये सॉल्यूशन जो है वो a = 0 और यहाँ पे कहीं पे होगा a = 4, तो या तो इससे लेस हो या फिर इस तरीके से 4 से ज्यादा हो, ये दो पॉसिबिलिटीज यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन से निकल के आ रही हैं। फिर α + β > 0 अगर अप्लाई करें तो α + β होता है -b/a। -b/a का मतलब यहाँ पे माइनस ऑफ -2a - 1, कोफिशियंट ऑफ एक्स की बात हो रही है, और डिवाइडेड बाई कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा 2a - 1, और ये भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। इसका मतलब a का वैल्यू क्या हो गया, 1 से ज्यादा आ रहा है। राइट, और थर्ड कंडीशन से अगर हम लोग अप्लाई करें α * β तो वो हो जाएगा 2a + 1/1, कॉन्स्टेंट बाई कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है। तो ये ग्रेटर देन 0 अगर पुट करते हैं तो यहाँ से आ जाएगा 2a > -1, और आई कैन से ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -1/2। तो ये सभी बातें सही होनी चाहिए, 1, 2 और 3 सारे कंडीशन सेटिस्फाई होने चाहिए। तो क्लियर कट दिख रहा है कि 4 से ज्यादा ये वाला जो पोर्शन है अगर ये रखते हैं तो सभी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगा, 1 से भी ज्यादा हो जाएगा और -1/2 से भी ज्यादा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट हो जाएगा। आप देख सकते हो कि ऑप्शन नंबर ए और डी में कुछ खास अंतर नहीं है, सिर्फ ओपन इंटरवल और क्लोज्ड इंटरवल का अंतर है। तो अगर आपने यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट में ग्रेटर देन 0 लिखा होता तो ऑप्शन ए आ जाता। तो आपको समझना है बोथ रूट्स ऑफ इक्वेशन इक्वल भी हो सकते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 यूज किया है, कहीं नहीं बोला गया कि रूट्स जो है वो डिस्टिंक्ट भी होने चाहिए, इसलिए दोनों बातों को इंक्लूड करके ही लिखा गया है। सो हमें थोड़ा सा केयरफुल भी रहना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 इज द सॉल्यूशन ऑफ द इनइक्वालिटी x² - 4x < 5 इज, तो इसको सॉल्व करेंगे। ये -5 से x² - 4x का वैल्यू 5 तक हो सकता है, राइट, अगर ये मॉड हटाते हैं तो। अब इसको सॉल्व कैसे करें, एक एक करके सॉल्व करते हैं। एक पोर्शन ये कहता है कि -5 से बड़ा होना चाहिए x² - 4x, एंड दूसरे साइड हमें ये भी मेक श्योर करना है कि x² - 4x का वैल्यू 5 से कम रहे। तो इसका मतलब तो ये हो गया कि x² - 4x + 5 > 0 हो गया, एंड साथ में हमें ये भी देखना है कि x² - 4x - 5 < 0 हो गया। ये क्वाड्रेटिक ग्रेटर देन 0 होने के लिए कंडीशन ये होता है कि x² का कोफिशिएंट पॉजिटिव हो और डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 हो। तो डिस्क्रिमिनेंट जो है
वो हो जाएगा -4 का स्क्वायर -4 टाइम्स ऑफ 1 इंटू 5, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू क्या होता है, b² - 4ac। तो ये भी मुझे लग रहा है सेटिस्फाई कर ही रहा है, 16 - 20 निगेटिव आ रहा है, तो ये तो फॉर एवरी एक्स पॉसिबल है, तो इसलिए इसमें तो कोई चिंता करने की बात नहीं है। बट अब ये कंडीशन भी तो हमें सेटिस्फाई करना है, तो इसके लिए हम एक बार कोशिश करते हैं। इसको लिख सकते हैं x² - 4x को मैं -5x + x लिख सकता हूँ, और -5 < 0। ऐसा एक्सप्रेस करने से क्या फायदा होगा, अब देखो ये जो -5x है बीच में, अब हम इसमें कॉमन ले सकते हैं, x कॉमन लेने से x - 5 बचेगा, और ऑलरेडी +x - 5 है < 0, तो अब x - 5 कॉमन आ जाएगा और वहां से बचेगा x + 1 < 0। इसका मतलब एक -1 है और एक 5 है और निगेटिव है, मतलब यही वाला पोर्शन सॉल्यूशन में आएगा, तो -1 से 5 तक इसका सॉल्यूशन हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है, मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ x/x-1 इक्वल टू x² / mod x-1 विल बी ऑलवेज ट्रू फॉर एक्स बिलोंगिंग टू। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए काम करते हैं, सबसे पहले थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पहले टर्म में ऊपर और नीचे मॉड x-1 से मल्टीप्लाई कर ही लेते हैं, ताकि हर जगह पे डिनोमिनेटर में क्या आ जाए, मॉड ऑफ x-1। यहाँ पे भी मॉड ऑफ एक्स है और यहाँ पे भी मॉड ऑफ x-1 हो गया, दैट इज इक्वल टू x² बाई, यहाँ भी मॉड ऑफ x-1 हो गया। तो इजिली हम एक चीज तो समझ सकते हैं कि जो डिनोमिनेटर का मॉड ऑफ x-1 है, हाँ उसकी वजह से x = 1 ये तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता, क्योंकि अनडिफाइंड हो जाएगा, हर जगह पे नीचे 0 आ जाएगा। तो आप देखो ये डी ऑप्शन में 1 आ गया, वो भी गलत हो गया, और ए ऑप्शन में भी गलत हो गया, क्योंकि 1 इंक्लूडेड है, 1 पे तो ये पूरा का पूरा इक्वेशन ही अनडिफाइंड है, तो 1 तो पॉसिबल है ही नहीं, पहले ही हम उसको रिप्लेस कर सकते हैं। अब बच गया अपने पास बी और सी ऑप्शन, तो ऑप्शन से भी हम लोग एक चीज समझ रहे हैं कि हम क्वेश्चन इजिली सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि अब मुझे बी और सी में डिसाइड करना है, तो अब देखो सी का जो दायरा है ना, वो सिर्फ -1 से 1 के बीच में है, ये -1 रहा, ये 1 रहा, लेकिन जो बी ऑप्शन है वो 1 से इन्फिनिटी भी इंक्लूड कर रहा है। इसका मतलब सिंपली आप क्या कर लो, 2 पे चेक कर लो, अगर 2 पे सेटिस्फाई कर गया, इसका मतलब सी ऑप्शन तो हो नहीं सकता, तो मैं 2 पे एक बार इसको चेक कर लेता हूँ इक्वेशन को। अब ये ऐसे लिख के आप सॉल्व तो कर सकते हो आगे, लेकिन वो सॉल्व करने की जरूरत है नहीं, ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट आप इसको सॉल्व कर सकते हो भाई, सब्स्टिट्यूटिंग x = 2, तो ये हो जाएगा mod of 2 + 2/2 - 1 का मॉड, दैट इज इक्वल टू 2² / 2 - 1। बस चेक कर लेते हैं कि दोनों साइड सेम आ रहा है कि नहीं, तो 2 + यहाँ पे 2/2 - 1, ये भी 2 आ गया, और इस साइड 4 आ गया, 2 - 1 तो 1 ही है, तो ये बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है। तो 2 पे जो सॉल्यूशन x = 2 पे अगर हम लोग चेक कर रहे हैं जो इक्वेशन है उसको, तो बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है, और 2 तो बी ऑप्शन में प्रेजेंट है लेकिन सी ऑप्शन में तो है नहीं, तो सी ऑप्शन भी करेक्ट हो गया, राइट आंसर क्या हो गया, बी। तो ऐसे स्मार्ट तरीके से आप जल्दी इक्वेशन को क्रैक कर सकते हो एग्जाम टाइम में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है, fx = x³, ये x³ लिखा हुआ है, इसका मतलब बेसिकली ये x³ है, ठीक है, ये x³ है, तो x³ + x, देन इक्वेशन दिया है यहाँ पे (2/y-f2+3/y-f3+4/y-f4=0), और फिर कुछ कंडीशंस गिवन है, ABCD, बोथ रूट्स लाइंग इन f2 f3, एग्जैक्टली 1 रूट लाइंग इन f3 f4, तो कुछ तो वैल्यूज भी हमें कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा। तो जैसे कि f2 f3 ये सब यूज है ऑप्शन में, तो पहले ही निकाल लेते हैं f2 f3 और f4 की वैल्यूज। तो ये f2 का वैल्यू क्या होगा, 2³ + 2 यानी कि 10 आ गया, ऐसे ही ये आ जाएगा 3 रखने पे 3³ + 3, तो ये 27 + 3 = 30 आ गया, और ऐसे ही 4³ + 4 ये अपने पास आ गया 68, राइट। तो f2 f3 f4 की वैल्यूज निकल गई, अब हम लोग जरा सब्स्टिट्यूट करते हैं वैल्यूज को यहाँ पे इस गिवन इक्वेशन में, तो ये क्या बन जाएगा, 2/y-10 हो गया +3/y-30 हो गया +4/y-68 हो गया, दैट इज इक्वल टू 0। तो अब हम लोग अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो ये आ गया 2y-30 y-68 + 3 times of y-10 y-68, राइट, +4 times of y-10, और y-30 = सब कुछ 0 हो जाएगा। तो अब अगर हम लोग इस गिवन इक्वेशन को देखते हैं, तो एक तो ये तरीका है कि हम लोग मल्टीप्लाई वगैरह करके इसको सिंप्लीफाई करें, और वहां से जो क्वाड्रेटिक बन रहा है उसको सॉल्व करके y की वैल्यूज निकाल के देख लेते हैं कि एक्चुअल में कितने रूट्स आ रहे हैं या क्या सिचुएशन है। तो अगर हम लोग वैसा करते हैं तो ये बन गया
टाइम्स ऑफ वाई स्क्वायर, ठीक है, -98 y और +30 × 68 करेंगे तो वो कितना हो जाएगा, 3 × 8 = 24, 2 बचेगा तो 3 × 6 = 18 और 2 = 204 आ गया। ऐसे यहाँ पे भी 3 × y², ठीक है, माइनस ओवरऑल अगर देखें तो ये -78 y हो जाएगा और +680 हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे भी +4 × y² -40 y हो जाएगा और +300 हो जाएगा एंड दैट इज इक्वल टू 0। जब ये सारा कुछ सिंप्लीफाई करेंगे तो आप देखो 2y², 3y² और 4y², ये टोटल मिला के हो जाएगा 10, 4 और 3 7, 7 और 2 9y² हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही सबको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ जाएगा -590y और ये आ जाएगा 7320। आप सॉल्व करके देखना इसको, ये 2 × 204 फिर 3 × 680, ये सारे कॉन्स्टेंट्स, तो ये क्वाड्रेटिक अपने पास बन गया। अब ये जो क्वाड्रेटिक है इसके सॉल्यूशन को हम लोग यहाँ पे साइड में सॉल्व कर सकते हैं तो पता चल जाएगा कि वाई का वैल्यू बेसिकली आ कितना है। तो फाइनल स्टेप आपका जो है वो यहाँ पे आप करके इसको सॉल्व कर सकते हो। फाइनल स्टेप क्या है कि वाई का वैल्यू जो है वो हो गया 590 √B² यानी -590 का स्क्वायर -4 × AC यानी 9 × 7320 एंड दैट डिवाइडेड बाई दिस इंटायर थिंग डिवाइडेड बाई 2 × 9 यानी 18 हो जाएगा। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे वाई का वैल्यू आ जाएगा 590 प्लस माइनस, ये जो ओवरऑल वैल्यू आएगा इट विल बी √8,4580 एंड दैट डिवाइडेड बाई 18। तो ये वैल्यू अब अप्रोक्सीमेशन करना पड़ेगा कुछ, ये जो रूट के अंदर वाला टर्म है 84,580, इसका जो स्क्वायर रूट आएगा वो करीब करीब 290 के आसपास आएगा, ठीक है। तो प्लस माइनस 290 पॉइंट समथिंग आएगा, तो पॉइंट समथिंग समथिंग आएगा दैट डिवाइडेड बाई 18। तो यहाँ से अगर हम सॉल्व करें तो एक वैल्यू आ जाएगा 16 के आसपास, 16 पॉइंट समथिंग, और दूसरा आएगा करीब करीब 48 के आसपास जब आप ऐड करके 18 से डिवाइड करोगे। तो ये अपने पास 16 और 48 वाई का रूट आ रहा है। तो एग्जैक्टली वन रूट किस में लाई कर रहा है वो हम देख सकते हैं। F2 और F3 का मतलब 10 और 30 था, तो 10 और 30 के बीच में तो आंसर आएगा नहीं। ये देखो आप, ये कैलकुलेशन ज़्यादा टफ लग रहा होगा बट हमें एग्जैक्ट वैल्यू से मतलब ही नहीं है। आप एक बस ओवरऑल अंदाजे से, अप्रोक्सीमेशन से बस पता कर लो कि ये वाई का आसपास वैल्यू क्या रहा है। इसीलिए मैं ये डेसिमल वगैरह, ये रूट का वैल्यू एग्जैक्ट निकालने के लिए बोल ही नहीं रहा। आप सिर्फ और सिर्फ आसपास की वैल्यू निकाल लो। 8 को देखते हो, ये जो रूट आया है तो बोथ रूट्स लाइंग इन F2 F3 तो गलत हो गया, क्योंकि F2 क्या था 10 और F3 क्या था 30। तो 10 और 30 के बीच में तो दोनों बिल्कुल नहीं लाई कर रहा, सिर्फ 16 लाई कर रहा है। ऑप्शन नंबर बी देखें तो एग्जैक्टली वन रूट लाइंग इन F3 F4, ये सही है क्योंकि 30 और 68 के बीच में क्लियरली 48 तो लाई करेगा ही, तो एक एग्जैक्टली वन रूट जो है वो F3 F4 के बीच में लाई कर रहा है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 है, द एरिया डिफाइंड बाई 1 से ग्रेटर है मॉड ऑफ एक्स माइनस 2 प्लस मॉड ऑफ वाई प्लस 1 और ये पूरा चीज लेस देन है और इक्वल टू 2। तो इसको सॉल्व करने के लिए अलग अलग केसेस कंसिडर करने पड़ेंगे। पहले तो केस 1 हम लोग लेते हैं जहाँ पे एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 एंड वाई का वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू -1 लेते हैं, ताकि ये मॉड जो है दोनों का दोनों पॉजिटिव साइन के साथ ओपन हो। तो उस पर्टिकुलर केस में ये हो जाएगा एक्स माइनस 2 प्लस वाई प्लस 1 एंड लेस देन और इक्वल टू 2। तो ये बीच में एक्स प्लस वाई और -1 आएगा, उस -1 को हटाने के लिए मैं दोनों साइड प्लस कर रहा हूँ, तो ये इधर हो जाएगा 2 और ये इधर हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ एक्स प्लस वाई और इधर हो जाएगा 3। तो ये पहला कंडीशन केस 1 से बन गया। ऐसे ही केस 2 पे चलते हैं। केस 2 पे एक काम करते हैं, दोनों वैल्यूज को लेस देन ले लेते हैं, ठीक है, लेस देन -1 और ये भी एक्स लेस देन और इक्वल टू नहीं, इक्वल टू ऑलरेडी इंक्लूड हो चुका है, तो एक्स लेस देन 2। तो इस पर्टिकुलर केस में जब मॉड ओपन होगा तो निगेटिव साइन के साथ ओपन होगा। ये हो गया माइनस ऑफ एक्स माइनस 2 एंड ये हो गया माइनस ऑफ वाई माइनस 1 लेस देन और इक्वल टू 2। तो ये हो गया 1 से ग्रेटर -x + 2 -y + 1 एंड यहाँ पे 2 आ गया। अब अगर हम लोग ऑब्जर्व करें तो ये है -x - y + 3 और इधर है 2, इधर है 1। तो अभी ये +3 हटाने के लिए मैं -3 कर रहा हूँ ओवरऑल, तो ये -2 हो गया।
ये माइनस एक्स माइनस वाई हो गया, और सिंस माइनस थ्री किया गया है इधर आ गया माइनस वन। अब मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा और ये एक्स प्लस वाई बन गया बीच में, और ये आ गया वन से टू, ये केस टू हो गया। ऐसे ही केस थ्री ले लेते हैं। केस थ्री में एक को पॉजिटिव एक को निगेटिव रखते हैं, तो एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू टू है एंड वाई जो है वो रख लेते हैं लेस देन माइनस वन। तो इस पर्टिकुलर केस में एक्स वाला चीज जो है वो पॉजिटिव साइन के साथ ओपन होगा एक्स माइनस टू, लेकिन ये ओपन होगा माइनस वाई माइनस वन इस तरीके से, क्योंकि वाई का वैल्यू लेस देन माइनस वन लिया गया है। तो अभी ये आ गया अपने पास एक्स माइनस वाई, और जो बीच में माइनस थ्री आ रहा है उसको हटाने के लिए मैं प्लस थ्री कर रहा हूँ, तो ये आ गया फोर और इधर आ गया फाइव। तो ये कंडीशन आ गया। तो जरा सभी कंडीशंस को एक बॉक्स में ऐसे हाईलाइट कर लेते हैं। ये अपने पास सारे कंडीशंस आ रहे हैं अलग अलग केसेस में। ये यहाँ पे केस थ्री में आ गया। एक और केस यहाँ पे बना सकते हैं हम लोग, केस फोर, जहाँ पे इस बार एक्स का वैल्यू लेस देन टू लिया एंड वाई का वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस वन। तो एक्स वाला इस बार निगेटिव के साथ ओपन होगा, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स प्लस टू, क्योंकि माइनस ऑफ एक्स माइनस टू होगा ना, और यहाँ पे प्लस वाई प्लस वन एंड दैट इज लेस देन और इक्वल टू टू। तो इस कंडीशन में ये आ गया माइनस एक्स प्लस वाई, और जो बीच में प्लस थ्री है उसको हटाने के लिए माइनस थ्री कर रहा हूँ, तो ये माइनस टू हो गया, ये माइनस वन हो गया। माइनस से अगर ओवरऑल मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये टू, इनइक्वालिटी का साइन चेंज, और ये बीच में एक्स माइनस वाई, और इस साइड आ गया वन। तो ये एक और कंडीशन अपने पास आ गया। अब इन सभी कंडीशंस के बेसिस पे हम लोग ट्राइंगल ड्रॉ करके वहां पे सोच सकते हैं कि क्या फाइनली हमारा आंसर होना चाहिए। तो ये किस तरीके से हम लोग कोशिश करते हैं ड्रॉ करें, फिर बट वहां से सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। बट पूरा ड्रॉ करने की भी जरूरत नहीं है, सिमेट्री है हर जगह। आप देखो तो फोर से फाइव, फिर वन से टू, तो एक एक का डिफरेंस है। और जैसे कि अगर मैं केस टू को ड्रॉ करूँ तो केस टू में ये होगा, ये अपने पास 1,0 से लेकर के जो लाइन है वो 2,0 तक जाएगा। ऐसे ही अगर केस वन ड्रॉ करूं तो केस वन में एक और ये अपने पास 3,0 वाला पॉइंट आ जाएगा। तो केस वन ये कहता है कि जो लाइन है वो 2 से 3, आप देखो ये लेफ्ट में 2 है और ये 3 है, तो इसीलिए ये वाले पोर्शन की बात हो रही है 2 से 3 के बीच में। फिर ऐसे ही 1,0 से 2,0, ये जो फर्स्ट लाइन ड्रॉ किया है मैंने और ये सेकेंड लाइन, अगर मैं नाम दे दूं कि ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड, तो फर्स्ट और सेकंड लाइन के बीच में ये वाले पोर्शन की बात हो रही है। तो अगर हम लोग इन सभी लाइंस के बेसिस पे जरा एरिया कैलकुलेट करने की कोशिश करें, किसी एक केस को पकड़ के आप वहां से सॉल्व कर सकते हो। तो जैसे मैंने केस टू के बेसिस पे कैलकुलेट करने का सोचा यहाँ पे, तो ये थर्ड लाइन भी आप हटा दीजिए फिर उस पर्टिकुलर केस में, राइट? तो सिर्फ और सिर्फ ये बचेगा पोर्शन, तो इसका एरिया निकाल लें। और फिर चार केसेस हैं तो हर केस में ऐसा ही होगा, सिमेट्री है पूरा का पूरा। तो अगर एक कैलकुलेट करें, ये ए वन एरिया मान के चलें, तो पहले 1/2 ये पूरा का पूरा, ये बड़ा वाला ट्रायंगल ओ ए बी ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा, 1/2 बेस 2 हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ पे ये 0,2 रहा होगा, तो ये वर्टिकल हाइट भी यहाँ से यहाँ तक 2 रहा होगा। ये अपने पास आ गया 2 माइनस, हमें करना पड़ेगा ये छोटे वाले ट्रायंगल का एरिया ये वाला, तो ये हो जाएगा 1/2, 1 × 1। तो ओवरऑल क्या अपने पास आ गया 2 − 1/2 यानी 3/2। तो टोटल एरिया क्या हो जाएगा, 4 सच केसेस आर देयर, तो 4 × 3/2, तो ये आ जाएगा 6, 6 स्क्वायर यूनिट्स। ये ऑप्शन नंबर सी को टिक कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 है यहाँ पे, द रीजन रिप्रेजेंटेड बाय द इनइक्वालिटी सिस्टम एक्स एंड वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, जहाँ पे वाई लेस देन और इक्वल टू 6 है एंड एक्स प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 3 है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें सिर्फ क्या करना है, जो भी कंडीशंस गिवन है उसके अकॉर्डिंग हमें प्लॉट कर लेना है एक्स और वाई कोऑर्डिनेट पे। तो ये अगर हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव या जीरो होने चाहिए, इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है। वाई का वैल्यू 6 से ज्यादा नहीं हो सकता, तो वाई कहीं यहाँ पे मान लेते हैं दिस इज वाई इज इक्वल टू 6, तो या तो ये लाइन होगा या तो इसके नीचे सॉल्यूशन इसका लाई करेगा। ऐसे ही एक्स प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 3 का मतलब ये है कि यहाँ पे कोई लाइन इस तरीके से ड्रॉ हो सकती है, जो कि लेट सपोज ये ए पॉइंट है, तो ये हो जाएगा 3,0, जब एक्स का वैल्यू 3 तो वाई का वैल्यू 0। मैं बिना इनइक्वालिटी के सिर्फ ये लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ एक्स प्लस वाई इक्वल टू 3। फिर यहाँ पे अगर ये 3,0 है तो ये वाला पॉइंट बी हो जाएगा 0,3,
यानी एक्स जीरो तो वाई का वैल्यू थ्री, ये वाला यहाँ पे जो वाई एक्सिस पे इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो ये एक्स प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू थ्री है। अगर इस वाले सिस्टम में अगर हम लोग ओरिजिन पुट करते हैं यानी जीरो जीरो पुट करते हैं ये वाला पॉइंट, तो सेटिस्फाई करेगा, जीरो से बड़ा ही है थ्री, इसका मतलब जो सोल्यूशन है वो इस साइड पे लाई करेगा, लेफ्ट साइड पे, लेकिन लेफ्ट साइड पे लाई कर सकता है बट ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर ही रहेगा क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हुई थी, और ये वाई इक्वल टू सिक्स से भी कम रहना चाहिए। इसका मतलब ओवरऑल अगर बात करें तो कौन सा रीजन है जिसमें सोल्यूशन लाई करेगा, सिर्फ और सिर्फ ये वाला पोर्शन है, ये वाला जो ग्रीन कलर से मैं यहाँ पे शेड कर रहा हूँ थोड़ा बहुत, ये पोर्शन है जहाँ पे हमारा सोल्यूशन ओवरऑल लाई करेगा, क्योंकि इसमें इस लाइन से भी नीचे हो गया और वाई इक्वल टू सिक्स से भी वैल्यू कम हो गया, प्लस ना एक्स निगेटिव है ना वाई निगेटिव है, तो ये क्लियरली अगर आप देखो तो बाउंडेड रीजन है एक तरीके से, और बाउंडेड कहाँ है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये बाउंड हो गया हर तरफ से, बाउंड हो गया, और किस क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 है, इफ ए बी सी आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स क्यू माइनस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स माइनस आर इक्वल टू जीरो, देन द वैल्यू ऑफ वन बाई सी स्क्वायर प्लस वन बाई बी स्क्वायर प्लस वन बाई ए स्क्वायर इज। तो ए बी सी अगर रूट्स है इक्वेशन के, तो अगर मैं ए प्लस बी प्लस सी एड करता हूँ तो ये अपने पास समेशन ऑफ रूट्स कितना आ जाएगा, इस गिवन क्यूबिक इक्वेशन को देख के लिख सकते हैं पी। फिर ऐसे ही अगर अपने पास ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए लिखना हो तो ये अपने पास कितना आ जाएगा, आ जाएगा क्यू का वैल्यू, और अगर मुझे ए बी सी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लिखना हो तो ये अपने पास आ जाएगा आर। तो ये सारे वैल्यूज लिखने के बाद अब हम लोग जरा गिवेन एक्सप्रेशन पे नजर डालते हैं। ये गिवेन एक्सप्रेशन है वन बाई ए स्क्वायर प्लस वन बाई बी स्क्वायर प्लस वन बाई सी स्क्वायर, तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ बाई टेकिंग एलसीएम, ये आएगा बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए बी सी का होल स्क्वायर। तो अगर इसको फर्दर एनालाइज करें तो ऊपर अपने पास क्या है, ऊपर के टर्म्स अगर हम लोग देखें तो वो कुछ नहीं बट ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का होल स्क्वायर है। होल स्क्वायर करने से ये टर्म्स तो आ जाएंगे जो भी स्क्वायर वाले टर्म्स हैं, लेकिन साथ में कुछ एक्स्ट्रा टर्म्स भी आए। इसको हटाने के लिए मैं माइनस टू टाइम्स पहले ही कर देता हूँ, तो माइनस टू टाइम्स ऑफ अपने पास क्या आ जाएगा, ए बी इंटू बी सी यानी ए बी स्क्वायर सी प्लस बी सी इंटू सी ए यानी बी सी स्क्वायर ए प्लस सी ए इंटू ए बी यानी सी ए स्क्वायर बी, एंड दैट ओवरऑल थिंग डिवाइडेड बाई ए बी सी होल स्क्वायर मतलब आर का स्क्वायर, बस हमें ये सॉल्व कर लेना है। तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की जगह हो गया क्यू स्क्वायर माइनस टू टाइम्स, मैं इसमें से ए बी सी कॉमन ले सकता हूँ तो यहाँ बच जाएगा बी प्लस सी प्लस ए एंड दैट डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। अब कुछ नहीं करना, ए बी सी का वैल्यू आप फिर से आर ऊपर पुट कर दो और बी प्लस सी प्लस ए की जगह पे पी पुट कर देते हैं, तो ये अपने पास आ गया ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आप देख सकते हैं, दैट इज द राइट आंसर, क्यू स्क्वायर माइनस टू पी आर बाई आर स्क्वायर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 है, इफ एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस वन इज अ फैक्टर ऑफ ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स प्लस सी, देन कौन सा ऑप्शन इसमें से करेक्ट है। तो अगर यहाँ पे ये फैक्टर टर्म गिवेन है तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स प्लस सी वाला जो टर्म है वो इसके फैक्टर को किसी मल्टीपल से मल्टीप्लाई करने पे हमें मिल ही जाएगा, और वो मल्टीपल एक लीनियर फंक्शन होगा क्योंकि एक्स स्क्वायर ऑलरेडी है और हमें चाहिए क्यूब, तो ए एक्स प्लस कुछ लैम्डा टर्म ले लेते हैं। अब हमें सिर्फ मल्टीप्लाई करके रेशियोस बेसिकली कंपेयर कर सकते हैं और रेशियोस के फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे कि ए एक्स क्यूब तो इधर रहेगा ही प्लस बी एक्स प्लस सी, राइट साइड में हम मल्टीप्लीकेशन करते हैं, ये बन जाएगा ए एक्स क्यूब प्लस लैम्डा एक्स स्क्वायर प्लस ए पी एक्स स्क्वायर प्लस लैम्डा पी एक्स प्लस ए एक्स और प्लस लैम्डा। फर्दर एक और बार हम इसको रीअरेंज कर लेते हैं, ये हो गया ए एक्स क्यूब प्लस लैम्डा प्लस ए पी एक्स स्क्वायर, और यहाँ हो गया लैम्डा पी प्लस ए टाइम्स ऑफ एक्स, और हो गया कॉन्स्टेंट प्लस लैम्डा। अब हम कंपेरिजन इजिली कर सकते हैं ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स प्लस सी में, अब देखो तो ए एक्स क्यूब तो ठीक ही है एज एज इट इज, बट जो लैम्डा प्लस ए पी है वो जीरो होना चाहिए क्योंकि एक्स स्क्वायर का तो कोफिशियंट लेफ्ट साइड में है ही नहीं बट राइट साइड में है, तो उसको जीरो होना ही पड़ेगा ये जो लैम्डा प्लस एपी वाला टर्म है, तो एक सिचुएशन यहाँ पे ये। दूसरा, ये जो एक्स का कोफिशियंट है वो बी के इक्वल होना चाहिए, तो बी इज इक्वल टू हो गया लैम्डा पी प्लस ए, और सी जो कॉन्स्टेंट है वो हो गया लैम्डा के इक्वल। तो पहले तो जहां जहां पे लैम्डा है वहां सी रख देते हैं, तो ये हो गया सी प्लस ए पी इक्वल टू जीरो,
ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन अब ऐसे फॉर्मेट कर लिया हम लोगों ने, बी इज इक्वल टू हो गया सी पी प्लस ए, और अब इन दोनों से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ से पी का वैल्यू क्या आ जाएगा, माइनस सी बाई ए, और यहाँ से पी का वैल्यू क्या आ जाएगा, बी माइनस ए बाई सी। तो अगर हम कंपेयर कर दें माइनस सी बाई ए को बी माइनस ए बाई सी से, तो हम इसको लिख सकते हैं माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू, राइट, माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी माइनस ए स्क्वायर। और अगर ऐसा लिख लेते हैं तो साफ साफ आपको दिख रहा होगा कि ये बन गया ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी, क्योंकि ये ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 है, इफ अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, एस एन इज इक्वल टू अल्फा टू द पावर एन प्लस बीटा टू द पावर एन, देन ए एस एन प्लस वन प्लस बी एस एन प्लस सी एस एन माइनस वन इज इक्वल टू। तो यहाँ पे अल्फा और बीटा अगर गिवेन इक्वेशन के रूट हैं तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, अल्फा को अगर हम लोग सब्सटीट्यूट करके लिखना चालू करें, बट आप एक बार पहले ये भी देख लो कि ये एन प्लस वन एन माइनस वन वगैरह यहाँ पे यूज किया गया है। तो जो भी इक्वेशन है उसमें अगर हम दोनों साइड पे एक्स टू द पावर एन माइनस वन मल्टीप्लाई कर दें तो ऐसा फॉर्मेट हमें दिख जाएगा, यानी मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये जो क्वाड्रेटिक है इसमें मैं दोनों साइड एक्स टू द पावर एन माइनस वन से मल्टीप्लाई करता हूँ। तो एक्स टू द पावर एन माइनस वन करते ही एन माइनस वन और ये पावर टू ऐड होकर बन जाएगा एक्स टू द पावर एन प्लस वन, क्योंकि यहाँ पे एन प्लस वन एन और एन माइनस वन तीनों दिख रहा है, तो हमें उसी फॉर्मेट में थोड़ा सा बना लेना चाहिए पहले। प्लस जब बी एक्स में एक्स टू द पावर एन माइनस वन से मल्टीप्लाई होगा तो ये बचेगा सिर्फ बी एक्स पे पावर एन, और ये हो जाएगा सी एक्स टू द पावर एन माइनस वन इक्वल टू जीरो। तो हमने गिवेन इक्वेशन को बड़े ही चालाकी से पहले ही इस फॉर्मेट में लिख लिया ताकि ये एन प्लस वन भी दिख जाए, एन भी दिख जाए और एन माइनस वन का भी टर्म दिख जाए। अब सिंस अल्फा और बीटा रूट्स हैं, हम लोग एक एक करके इसमें अल्फा और बीटा रख सकते हैं। तो अगर मैं अल्फा रखूं, क्योंकि अल्फा उसको सेटिस्फाई करेगा अगर रूट है, तो ये बन गया ए अल्फा टू द पावर एन प्लस वन प्लस बी अल्फा टू द पावर एन प्लस सी अल्फा टू द पावर एन माइनस वन इक्वल टू जीरो, फर्स्ट इक्वेशन। ऐसे ही बीटा भी सेटिस्फाई करेगा तो ये बन गया ए बीटा पे पावर एन प्लस वन प्लस बी बीटा टू द पावर एन प्लस सी बीटा टू द पावर एन माइनस वन इक्वल टू जीरो, ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। अब दोनों को आप ऐड कर दो और कुछ नहीं, तो ऐड करने से तुरंत यहाँ पे साफ साफ आपको दिखेगा कि एक जो है वो कॉमन हो गया और ये बन जाएगा ए पे पावर अल्फा अल्फा पे पावर एन प्लस वन प्लस बी बीटा पे पावर एन प्लस वन प्लस, इस बार स्मॉल बी कॉमन लेके हम लिख सकते हैं अल्फा पे पावर एन प्लस बीटा पे पावर एन, और फाइनली सी को कॉमन लेके क्या लिख सकते हैं, अल्फा पे पावर एन माइनस वन प्लस बीटा पे पावर एन माइनस वन, दैट इज इक्वल टू जीरो प्लस जीरो, तो जीरो ही आ गया। अब अगर हम लोग ऑब्जर्व करें तो एस एन का मतलब क्या होता है, अल्फा पे पावर एन प्लस बीटा पे पावर एन, यानी ये टर्म क्या है, एस एन है, ये टर्म क्या है, यह है एस एन प्लस वन, और ये टर्म क्या आ गया ऑटोमेटिकली सी टाइम्स एस एन माइनस वन, और ये ओवरऑल कितना आ रहा है, जीरो, करेक्ट आंसर है ए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 है, द नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन ऑफ टू कर्व्स वाई इक्वल टू टू साइन एक्स एंड वाई इक्वल टू फाइव एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री इज। तो यहाँ पे अगर हम बात करें इस कर्व की वाई इक्वल टू टू साइन एक्स की, तो ग्राफिकली भी हम इसको समझ सकते हैं, जैसे ही एक्स जीरो पुट करेंगे वाई का वैल्यू क्या आएगा, जीरो, तो ये जीरो से कर्व वैल्यूज का स्टार्ट होगा जीरो। अगर साइन एक्स की जगह पे एक्स की जगह पे अगर हम 90 डिग्री रखते हैं तो उस समय आंसर आ जाएगा टू, वाई इज इक्वल टू टू आएगा, तो ये कहाँ पे आ रहा है, 90 डिग्री पे, ये मैं एक्स एक्सिस पे एंगल्स को प्लॉट कर रहा हूँ। फिर अगर 180 की बात की जाए तो वापिस से 180 पे जीरो आ जाएगा, ठीक है, तो ये इस तरीके से कुछ कर्व जा रहा होगा। अच्छा, अगर y इक्वल टू फाइव एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री की बात करूं तो इसमें x इक्वल टू जीरो रखने पे ये तो y इक्वल टू थ्री आएगा, यानी y इक्वल टू थ्री तो कहीं और ऊपर ही होगा, और सिंस a की जगह पे फाइव है इस क्वाड्रेटिक फॉर्म में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी फॉर्मेट में, जो कि ग्रेटर देन जीरो है, हमेशा जो कर्व बनेगा वो ऊपर की तरफ बनेगा। तो हमें सिर्फ मिनिमम वैल्यू देख लेना है वाई का कि मिनिमम वैल्यू कहाँ पे आ रहा है, और मिनिमम के लिए हमें डी वाई बाई डी एक्स निकाल लेना चाहिए, बहुत सारे तरीके होते हैं लेकिन ये तरीका भी बेस्ट है। तो ये हो जाएगा टेन एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो, और डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर भी निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा टेन, टेन ग्रेटर देन जीरो है, मतलब मिनिमा का केस यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं जिस पॉइंट पे ये डेरिवेटिव जीरो हो रहा है, यानी एक्स का वैल्यू क्या आ गया यहाँ पे, माइनस टू बाई टेन, यानी माइनस वन बाई फाइव। और वो वाई मिनिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, एक बार हम चेक करते हैं, वाई मिनिमम जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा फाइव इंटू एक्स स्क्वायर का मतलब हो गया 1/25 प्लस टू एक्स है मतलब माइनस टू बाई फाइव हो गया, और प्लस थ्री है तो हम इसे सॉल्व करते हैं तो ये आ गया 1/5 माइनस टू बाई फाइव, और इसको भी
15/5 कर लेते हैं 3 को, तो ये आ गया 14/5। 14/5 का मतलब है 2.8। तो जो मिनिमम वैल्यू है इस कर्व की वो तो 2.8 है, तो 2.8 तो कहीं ये 2 और 3 के बीच में होगा, 3 के आसपास पे, तो 3 के आसपास में कहीं यहाँ पे होगा। ये जो लाइन है ये तो y का मिनिमम वैल्यू है, ये ऊपर वाले कर्व का जो भी बनेगा वो ग्राफ, चाहे उसका मिनिमम वैल्यू जहां पे भी आए वो कुछ ऐसे ही बनेगा ऊपर की तरफ, उसके नीचे तो आ ही नहीं सकता, तो कोई इंटरेक्शन पॉइंट ही नहीं है, करेक्ट ऑप्शन होगा ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस टू रूट टू के एक्स प्लस टू ई टू द पावर टू लॉग के माइनस वन इक्वल टू जीरो इज 31, देन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रियल फॉर के इज इक्वल टू। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, अगर हम बात करें अल्फा इंटू बीटा, अगर अल्फा और बीटा दो रूट्स है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो हमें पता है अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो अल्फा इंटू बीटा होता है सी बाई ए। तो इस कॉन्सेप्ट का यूज करके अगर यहाँ पे हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की बात करें जो कि 31 गिवन है, तो वो क्या हो जाएगा, टू ई टू द पावर टू लॉग के माइनस वन, ये कॉन्स्टेंट है, डिवाइडेड बाई ए तो वन ही है, एंड दैट इज 31। तो ये हो गया टू ई टू द पावर टू लॉग के इक्वल टू 32, यानी ई टू द पावर टू लॉग के हो गया अपने पास 16। अब इसको लिख सकते हैं ई टू द पावर लॉग के स्क्वायर इक्वल टू 16। तो जब भी लॉग भी बेस ई का है, ये बेसिकली लिखा नहीं रहता है बट होता बेस ई है यहाँ पे, तो ये ओवरऑल लॉग और ई के ऊपर ही पावर है एज लॉग बेस ई, तो ये सिर्फ और सिर्फ के स्क्वायर बचेगा 16। तो के का वैल्यू यहाँ से 4 और -4, ये पॉसिबल है, ये दोनों चीजें यहाँ पे पॉसिबल है। बट यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन इज 31 दिया था और रूट्स ऑफ इक्वेशन आर रियल फॉर के इक्वल टू। तो अभी थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम हो गया क्योंकि 4 और -4 दोनों ऑप्शन में। अब जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ये 4, बिकॉज आप देख लो लॉग के लिखा हुआ था, तो वहां पे के की जगह पे हम माइनस तो नहीं पुट कर सकते ना, लॉग इज डिफाइंड फॉर पॉजिटिव नंबर्स, उसके सामने जो भी है लॉग के सामने वो पॉजिटिव वैल्यू होल्ड करना ही चाहिए, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 4। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 है, द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी लाइज बिटवीन 10 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 85 डिग्री सेंटीग्रेड, द करेस्पॉन्डिंग टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट विल लाई बिटवीन। तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, डिग्री फ़ारेनहाइट अगर हम सेल्सियस से कन्वर्ट करना चाहते हैं तो जो फॉर्मूला होता है वो होता है 9/5 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस अपने पास हो जाता है 32। तो कुछ नहीं करना है इसमें, आप वैल्यू पुट कर दो, पहले 10 डिग्री रखेंगे अगर, तो 9/5 इंटू 10 डिग्री पे हमें वैल्यू मिल जाएगा +32, ये पहला डिग्री फ़ारेनहाइट आ जाएगा अपने पास, कितना आएगा, दिस इज इक्वल टू 10/5, 2 हो गया, 9 इंटू 2 18, सो 18 प्लस 32 अपने पास आ गया 50 डिग्री फ़ारेनहाइट। ऐसे ही एक और बार कैलकुलेशन करेंगे डिग्री फ़ारेनहाइट कन्वर्जन के लिए, 9/5 इंटू 85 डिग्री सेंटीग्रेड है इस बार, +32 है अपने पास, तो 85/5 17 हो गया, तो 9 इंटू 17 प्लस 32 हो गया, तो ये 9 इंटू 7 हो गया 63, और ये हो जाएगा ओवरऑल 153 प्लस 32, तो ये अपने पास आ जाएगा 581, यानी 185 डिग्री फ़ारेनहाइट यहाँ पे भी आ गया। तो 50 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेके 185 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, द वैल्यू ऑफ अल्फा फॉर विच द इक्वेशन एक्स क्यूब माइनस 3x माइनस अल्फा इक्वल टू 0 हैज टू डिस्टिंक्ट रूट्स इन 0 टू 1 इंटरवल इज। तो इसके लिए हम क्या, टू डिस्टिंक्ट रूट्स इन 0 टू 1, तो अगर इस तरीके से दो रूट्स है अल्फा और बीटा जो कि 0 और 1 के बीच में है, तो क्लियरली अगर मान लेते हैं 0 और 1 के बीच में 0 कहीं यहाँ पे है और 1 कहीं यहाँ पे है, इस तरीके से सिचुएशन है, तो 0 और 1 के बीच में ही कहीं ना कहीं तो एक पॉइंट यहाँ पे मिलेगा जहाँ पे आप देखो तो जो टेंजेंट है इस कर्व के ऊपर उसका स्लोप 0 हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ, dy by dx is equal to 0, और बेसिकली f dash x is equal to 0। ये रोलिस थ्योरम यही बोलता है कि अगर हमारे पास ऐसा सिचुएशन हो जहाँ पे एंड पॉइंट्स हमें पता हो, तो ये 0 और 1 एंड पॉइंट्स गिवेन है और उन पे वैल्यू भी सेम हो, उस पर्टिकुलर केस में एक जगह तो ये मिलेगा ही मिनिमम जहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव 0 होगा। तो अगर ये कंडीशन हम लोग अप्लाई करें तो एफ ऑफ 0 कैलकुलेट करके देखते हैं, तो ये आ जाएगा 0³ - 3 × 0 - अल्फा, तो यहाँ से आएगा माइनस अल्फा, और अगर एफ ऑफ 1 लिखते हैं तो ये आएगा 1³ - 3 × 1 - अल्फा, तो ये बेसिकली आ गया 1 - 3 = 2 - अल्फा, करेक्ट। अब एफ ऑफ 0 ये होना चाहिए इक्वल एफ ऑफ 1 के,
अकॉर्डिंग टू रोलीज थियरम की बात कर रहा हूँ मैं, रोलीज थियरम यहाँ पे अप्लाई करके इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर रहा हूँ। तो एंड पॉइंट्स पे वैल्यू सेम होता है रोलीज थियरम में, अगर फंक्शन जो है कंटिन्यूअस है तो कंटिन्यूटी वगैरह क्यूबिक इक्वेशन है, पॉलिनोमियल है, बिल्कुल होता ही है, और डिफरेंशिएबल भी हम उसको कहेंगे। तो एफ जीरो इक्वल टू एफ वन करने पे यहाँ आ गया माइनस अल्फा, इधर आ गया माइनस टू माइनस अल्फा, तो माइनस अल्फा तो कैंसिल आउट हो जाएगा और बचेगा क्या, जीरो इक्वल टू माइनस टू। तो ये कंडीशन तो यहीं पे गलत हो गया ना, जीरो और माइनस टू सेम हो नहीं सकते, इसका मतलब एफ जीरो एफ वन सेम ही नहीं हो सकता। ये कर्व जो है आगे जा करके जहां भी ऐसे जाए, जीरो पे जो आएगा वैल्यू और वन पे जो वैल्यू आएगा वो सेम आ ही नहीं सकता, क्योंकि वहां पे जीरो इक्वल टू माइनस टू आ रहा है, और अगर सेम नहीं आ सकता तो ये कंडीशन होल्ड ही नहीं करेगा, एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो, ये जो कंडीशन है इट विल नॉट होल्ड। और अगर ये होल्ड नहीं करेगा तो इसका मतलब ऐसा सिचुएशन, ऐसा ग्राफ बन ही नहीं पाएगा जीरो और वन के बीच में, यानी दो डिस्टिंक्ट रूट जीरो और वन के बीच में पॉसिबल नहीं है किसी भी अल्फा की वैल्यू के लिए। ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट डी, नन ऑफ दीज। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में 23 है, इफ ए आई इज ग्रेटर देन जीरो फॉर आई इक्वल टू वन टू एंड सो ऑन टिल एन, एंड ए वन ए टू ऐसे करते करते ए एन तक का प्रोडक्ट इक्वल टू वन गिवेन है, देन मिनिमम वैल्यू ऑफ टू प्लस ए वन टू प्लस ए टू ऐसे करते करते जो लास्ट टर्म होगा टू प्लस ए एन वो कितना होगा। तो यहाँ पे अगर बात की जाए ए वन ए टू ए थ्री ऐसे करते करते जब आप प्रोडक्ट ले रहे हो इक्वल टू वन, तो ये तो कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर, जैसे 1/2 एक नंबर ले लिया, दूसरा नंबर 2 ले लिया, दोनों रियल नंबर से प्रोडक्ट वन आ जाएगा। तो आप बहुत सारे ऐसे कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं जहाँ पे प्रोडक्ट सबका मिला के लास्ट में कैंसिलेशन वगैरह करके वन आ जाए, बट जो एक्सप्रेशन है गिवन एक्सप्रेशन, ये पूरा का पूरा मिनिमम रखने के लिए जो ए वन ए टू और ये सब वैल्यू होगा, ए वन ए टू ए थ्री एंड सो ऑन टिल ए एन, वो सब का सब हम लोग वन ले सकते हैं, सारा वैल्यू अगर वन हो जाएगा फॉर वैल्यू ऑफ द गिवेन एक्सप्रेशन। अदरवाइज क्या होगा कि एक जगह पे तो सपोज ए वन का वैल्यू आपने ले लिया, ए वन का वैल्यू 1/2, तो आपको लगेगा कि हाँ वैल्यू तो कम हुआ है तो ओवरऑल एक्सप्रेशन, बट दूसरी जगह पे आपको ए टू टू लेना पड़ेगा इस टू को कैंसिल करके प्रोडक्ट वन लाने के लिए, तो वो 2+2 4 हो जाएगा। इसीलिए मिनिमम वैल्यू मेंटेन करने के लिए हमें थोड़ा सा सावधानी के साथ ये हर जगह पे सेम वैल्यू वन ले लेना चाहिए, ए वन ए टू ए थ्री एंड सो ऑन। तो इससे अब क्या हो जाएगा, एक्सप्रेशन 2+A1 2+A2 एंड सो ऑन, जो 2+An तक जा रहे हैं हम लोग, वो हर एक वैल्यू क्या हो जाएगा, ये 2+1 हो गया, फिर नेक्स्ट वैल्यू भी 2+1 हो गया, एंड ऐसे करते करते डॉट 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 ये वैल्यू भी 2+1 हो गया। तो कितनी बार हमने 2+1 लिखा, ए वन ए टू ऐसे करते करते एन टाइम्स, तो ये आ गया 3 टाइम्स ऑफ 3 टू द पावर n, ये n टाइम्स हमने रिपीट किया, तो 3 पे पावर कितना आ जाएगा, n आ जाएगा। बट अगर आप ऑप्शंस देखो तो गिवन ऑप्शन में से कोई भी 3 पे पावर n नहीं है, तो ये एग्जामिनेशन में बेसिकली ऑप्शंस में जहां जहां पे 2 है एक्चुअल में वहां वहां पे 3 रहना चाहिए, तब जाके जो ऑप्शन डी है वो 3 टू द पावर n रहता, तब जाके उसको हम करेक्ट करते। क्वेश्चन में 24 है, द सोल्यूशन सेट ऑफ द गिवेन इनइक्वालिटी इज, तो यहाँ पे 4 के ऊपर जो माइनस एक्स है उसको सेपरेट कर लेते हैं और 4 के ऊपर बाकी पावर हाफ सेपरेट लिख लेते हैं, -7 2 पे पावर -x है एज इट इज, उसको रहने देते हैं, -4 <0, ये गिवेन है। अब यहाँ पे कुछ चेंजेस करते हैं, 2 पे पावर जो माइनस एक्स है वो यहाँ पे भी बना लेते हैं 2 पे पावर -x और बाहर लिख लेते हैं बेसिकली 2, तब 2 का स्क्वायर आप करोगे तो 4 आ ही जाएगा, बात वही है, और ये 4 का स्क्वायर रूट कितना हो गया, 2 हो गया, -7 टाइम्स ऑफ 2 पे पावर -x -4 <0। अब 2 पे पावर -x की जगह पे मैं y लेके चलता हूँ, तो ये हो गया 2y² - 7y -4 <0। तो अगर हम लोग इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें, 2y² - 8y और प्लस y लिख सकता हूँ और -4 <0, तो 2y कॉमन लेते ही ये बन गया y-4, और ऑलरेडी यहाँ पे y-4 है <0। तो इसका मतलब एक ब्रैकेट में आ गया 2y+1 और दूसरे ब्रैकेट में आ गया y-4 <0। नंबर लाइन पे अगर प्लॉट करें तो एक वैल्यू आएगा y का -1/2, दूसरा आएगा 4, और निगेटिव के लिए ये रीजन सोल्यूशन में आ जाएगा -1/2 से लेकर। अब जो हमने एज्यूम किया था 2 पे पावर -x, ये तो वैल्यू हमें हम क्या मिल गया कि जो y का वैल्यू है, ठीक है मैं यहाँ के आगे प्रोसीड कर रहा हूँ, जो वाई का वैल्यू है वो डेफिनेटली -1/2 से तो ग्रेटर होगा और 4 से छोटा होगा, तो -1/2 से ग्रेटर 2 पे पावर -x हो गया और इधर ये हो गया 4, ये वाला तो ऑलवेज ट्रू है। सी एक्सपोनेंशियल में
आप 2 पे या 3 पे कोई भी पावर रखोगे वो निगेटिव तो नहीं आएगा, चाहे पावर आप कुछ भी रखो, तो ऑलवेज 2, तो उस पे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये वाला पोर्शन सॉल्व कर लेते हैं। 2 पे पावर -x < 4, तो ये अब log base 2 ले लेते हैं, तो log base 2 लेने से दोनों साइड ये अपने पास हो गया log base 2, और जो 4 है उसको मैं 2 का स्क्वायर लिख लेता हूँ, तो ये बेसिकली log base 2 होने से इधर आ गया -x < 2, ये अपने पास सिर्फ और सिर्फ 2 बचेगा, बाकी log base 2 और 2 वो 1 हो गया, तो इसका मतलब x का वैल्यू मैं बोल सकता हूँ ये -2 से बड़ा हो गया। तो -2 से बड़ा का मतलब क्या, ये -2 से लेकर के इनफाइनाइट तक x की वैल्यूज लाई कर सकती हैं, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में 25 है, लेट ए ग्रेटर देन 0 बी ग्रेटर देन 0 सेटिस्फाई ए क्यू प्लस बी क्यू इज इक्वल टू ए माइनस बी, देन विच ऑफ द ऑप्शन इज करेक्ट। तो यहाँ पे हमें ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला पता रहना चाहिए। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी दूसरे ब्रैकेट में होता है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब आप ध्यान से एक बार देखो कि सिंस ए एंड बी दोनों ग्रेटर देन 0 है, तो ये ए क्यूब भी ग्रेटर देन 0 होगा, बी क्यूब भी ग्रेटर देन 0 होगा, और ये ए माइनस बी के इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड साइड वाला जो क्वांटिटी है ये तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ठीक है, क्योंकि ए और बी दोनों ग्रेटर देन 0 था, तो उनका क्यूब भी ग्रेटर देन 0 होगा, फिर हम ऐड भी कर रहे हैं, तो अगर ये पॉजिटिव हुआ तो राइट हैंड साइड भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब यहाँ पे दूसरा जो हम लोग लॉजिक यूज कर सकते हैं वो ये कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब ये तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब से ज्यादा ही होगा, राइट, और अगर ऐसा है तो मैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब की जगह पे क्यों ना ए माइनस बी लिख लो। अब ए माइनस बी अगर ग्रेटर है ए क्यूब माइनस बी क्यूब से, तो उस पर्टिकुलर केस में अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला हम लोग यूज कर लेंगे, तो ये ए माइनस बी ग्रेटर है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पे फिर ए माइनस बी कैंसिल हो गया, इसका मतलब 1 जो है उससे छोटा है ये वैल्यू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और अगर ये 1 से छोटा है तो इसका मतलब करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 है, इफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -1/(x²+1) फॉर एवरी रियल नंबर एक्स देन मिनिमम ऑफ एफ इज, तो एफ की मिनिमम वैल्यू पूछी जा रही है। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं, एक तरीका हम लोग क्या यूज करते हैं यहाँ पे, बेसिकली सेम टू सेम जो न्यूमरेटर में हम लोग टर्म देख रहे हैं एक्स स्क्वायर, नीचे भी एक्स स्क्वायर है, तो ऊपर x²+1 बना ही देते हैं, तो x²+1 अगर लिख रहे हैं तो एक -1 खुद से करना पड़ेगा, तो ये ओवरऑल -2 हो जाएगा, और जो नीचे टर्म था उसको सेपरेट कर लेते हैं, x²+1 यहाँ भी लिख लेते हैं और x²+1 यहाँ भी लिख लेते हैं, तो एग्जैक्टली वही चीज है, आप दोबारा से ऊपर अगर एडजस्ट करो तो वही आ जाएगा। ऐसा करने से फायदा क्या हो गया, ये बन गया 1 -2/(x²+1), उसी एफ एक्स को हमने ऐसे लिख लिया। अब एफ मिनिमम कब होगा, एफ मिनिमम व्हेन ये जो सब्ट्रैक्ट हो रहा है वो मैक्सिमम हो जाए, ये जो 2/(x²+1) है वो मैक्सिमम हो जाए, तो व्हेन 2/(x²+1) इज मैक्सिमम, और ये मैक्सिमम कब होगा, ये जो टर्म है ये मैक्सिमम कब होगा, जब डिनोमिनेटर x²+1 ये क्या हो जाए, मिनिमम हो जाए, और ये मिनिमम कब होगा, जब x²+1 में आप देखो तो एक्स स्क्वायर तो बहुत सारा वैल्यू ले सकता है, बट मिनिमम तभी होगा व्हेन एक्स इज जीरो, क्योंकि जीरो के अलावा अगर कोई निगेटिव नंबर भी रखे हम लोग तो कुछ ना कुछ ऐड कर देगा, पॉजिटिव आएगा तो, और वो डिनोमिनेटर बढ़ जाएगा, तो एक्स जीरो करेंगे तो उस पर्टिकुलर केस में देयर फोर जो एफ मिनिमम का वैल्यू आएगा दैट इज 1 -2/(0²+1), तो ये आ गया 1 -2 = -1, दैट इज आवर आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 है, इफ बोथ रूट्स ऑफ इक्वेशन x²-6ax+2-2a+9a² = 0 एक्सीड 3, देन हमें ए के बारे में इन्फॉर्मेशन बताना है कि वो किससे ग्रेटर या किससे लेस देन है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले हम लोग जरा रूट के बारे में समझ लेते हैं कि क्या सिचुएशन है यहाँ पे। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि x² का कोफिशियंट है वो पॉजिटिव है, 1 है, तो इसलिए ग्राफ जो है हम लोग ऊपर की तरफ बनाएंगे ये कर्व को। दूसरा, जो बोथ रूट्स की बात की गई है वो एक्सीड कर रहा है 3 से, तो अगर यहाँ पे कोई 3 वैल्यू है तो उससे ज्यादा ही है ये दोनों रूट अल्फा और बीटा, तो डायग्राम कुछ ऐसा ही बनेगा, और ये जो पॉइंट होता है इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो होता है -b/2a, वाई कोऑर्डिनेट चाहे जो भी हो एक्स कोऑर्डिनेट -b/2a होता है, अगर अपने पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो ये है ax² + bx + c = 0, मैं इसके अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है, तो
उसके हिसाब से हम लोगों ने एक बार इस सिचुएशन को समझ लिया। अब होगा क्या कि सिंस बोथ रूट्स एग्जिस्ट तो करेंगे, तो डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू तो पक्का है कि ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होगा, राइट? क्योंकि दोनों रूट्स की बात की गई। अब ये नहीं पता कि दोनों रूट सेम है या डिस्टिंक्ट है, तो हम लोगों ने डायग्राम भले ही डी ग्रेटर देन जीरो के लिए बनाया हो, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि बोथ रूट सेम हो, इसलिए हम लोग डी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो लेके चलेंगे। तो एक तो ये कंडीशन हो गया। तो अगर ये कंडीशन हम लोग सेटिस्फाई करें तो देखते हैं कि ए का वैल्यू क्या आता है यहाँ से इस वाले के लिए, एक जो ऊपर इक्वेशन गिवन है। तो यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू होता है बी स्क्वायर। बी स्क्वायर का मतलब होता है एक्स का कोफिशियंट। एक्स का कोफिशियंट अगर आप ऊपर देखो तो -6a का स्क्वायर होगा। -6a का स्क्वायर -4 टाइम्स ऑफ ए। ए का मतलब यहाँ पे 1 है, एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट, और सी की जगह ये पूरा का पूरा कॉन्स्टेंट है। तो 2 -2a + 9a² अब ये वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, तो ये आ गया 36a² -8 + 8a - 36a² दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो ओवरऑल क्या बचा, 8a - 8 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। 8 को तो बाहर लेके चले जाएंगे, तो a - 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो a का वैल्यू आ गया 1 से ज्यादा या 1 के इक्वल। एक चीज तो क्लियर है कि ऑप्शन नंबर ए तो हो ही नहीं सकता, हाफ से कम कैसे हो सकता है, और ये भी ऑप्शन नंबर सी भी कैंसिल आउट हो गया क्योंकि 1 से कम बोला जा रहा है, जबकि पहले कंडीशन से हमें पता चल गया कि ए का वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होगा। बच गए दो ऑप्शन, बी ऑप्शन और डी ऑप्शन। ध्यान से देखो तो ये जो एक्स कोऑर्डिनेट है यहाँ पे -b/2a पे जो जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो 3 से तो ग्रेटर ही होगा, तो अगर हम लोग उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे बात करें तो -b/2 a। बट ये कौन सा ए है आपको समझना पड़ेगा, ये मैं इसके लिए बात कर रहा हूँ। तो एक काम करता हूँ, नोटेशन थोड़ा चेंज कर देता हूँ, ये कैपिटल ए बी सी कर देता हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन न रहे, ये कैपिटल बी है ये कैपिटल ए है, मैं उसके अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ, ठीक? क्योंकि वहां पे जो स्मॉल ए नोटेशन ऑलरेडी यहाँ पे यूज कर चुका गया है क्वेश्चन में, तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है, इसलिए मैंने कैपिटल ए बी सी लेकर के स्टैंडर्ड इक्वेशन के रूप में लिख दिया है। तो उसके हिसाब से -b/2a का वैल्यू जो है वो क्लियर कट 3 से ज्यादा ही है। आप देख सकते हैं 3 यहाँ पे है कहीं, दोनों रूट 3 से ज्यादा था, तो इसलिए ये जो वैल्यू है यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट -b/2a वो ग्रेटर देन 3 है। तो अब -b का मतलब क्या हुआ, ये हो जाएगा 6a, क्योंकि -6a एक्स का कोफिशियंट है, वही होता है कैपिटल बी, और उसमें भी माइनस है, तो 6a हो गया। डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू है 1, एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट ही ए होता है, एंड दैट इज ग्रेटर देन 3। तो यहाँ से भी हमें ए का वैल्यू सीधे सीधे अगर आप देखो तो 1 से ज्यादा आ रहा है। तो -b/2a से भी कुछ खास इन्फॉर्मेशन मिला नहीं अभी तक, जो हम लोग देख पा रहे थे वही इन्फॉर्मेशन यहाँ पे भी आ रहा है। बट एक इन्फॉर्मेशन अब देखते हैं हम लोग, अब वो देखो कि 3 पे जो वैल्यू है, जो 3 पे वैल्यू मिलेगा ग्राफ का, वो पक्का जो है यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है। तो अगर मैं इक्वेशन में 3 पुट कर देता हूँ f(3), तो वो पॉजिटिव आना चाहिए। तो f(3) अगर हम देखें तो ये आ जाएगा 9, 3 का स्क्वायर -6a, वहां पे एक्स की जगह पे 3 + 2 - 2a + 9a² और ये आना चाहिए पॉजिटिव, ग्राफ से ही दिख रहा है वो चीज। तो अगर हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं तो वहां से अब इनइक्वालिटी के बारे में इंफॉर्मेशन क्लियर कट मिल जाएगा। तो अगर इसको सॉल्व किया जाए तो क्या आ जाएगा, 9a² को पहले लिख रहा हूँ, फिर -18a को लिख रहा हूँ, और -2a भी था, तो मिला करके एक काम करता हूँ, इसको लिख लेता हूँ 20a एक साथ, ठीक है? ये बन गया 9a² - 20a, सो दिस बिकम्स 20a। अच्छा ठीक है, 9 और 2 मिला के कितना हो गया, 11। तो ये ओवरऑल टर्म्स हमारे पास आ गए ग्रेटर देन 0। तो अगर हम लोग फैक्टराइज कर ले थोड़ा, 9a² - 9a लिख ले और -11a लिख ले +11 लिख ले ग्रेटर देन 0, तो यहां से 9a कॉमन लेने पे आ जाएगा a-1, और -11 कॉमन लेने पे आ जाएगा अगेन a-1, राइट, ग्रेटर देन 0। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो एक ब्रैकेट में आ गया a-1, दूसरे ब्रैकेट में आ गया अपने पास 9 टाइम्स ऑफ a-11 एंड दैट इज ग्रेटर देन 0। तो अगर नंबर लाइन के ऊपर देखा जाए तो एक 1 है अपने पास वैल्यू और दूसरा आ जाएगा 11/9, तो या तो 1 से छोटा होगा वैल्यू या तो 11/9 से बड़ा होगा। तो 1 से छोटे की पॉसिबिलिटी तो है नहीं, क्योंकि फिर ये दो कंडीशंस भी तो सेटिस्फाई होने चाहिए, 11/9 1 से ज्यादा है, तो इसलिए 11/9 वाला कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 है द नंबर ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ एक्स विच सेटिस्फाई द इक्वेशन मॉड ऑफ एक्स बाई एक्स माइनस वन प्लस मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स बाई एक्स माइनस वन। तो यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, मॉड ऑफ एक्स बाई एक्स माइनस वन अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करो तो राइट साइड में भी सेम टू सेम टर्म है और लेफ्ट साइड में भी, तो उसको लेफ्ट में ही लेके आ जाएंगे तो मॉड ऑफ एक्स बाई एक्स माइनस वन हो जाएगा एंड दैट इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। अब ये चीज हम लोग कैंसिल आउट भी कर सकते हैं, मॉड ऑफ एक्स बाई एक्स माइनस वन अगर आप देखो तो सीधे सीधे क्या आ जाएगा अपने पास, मॉड एक्स इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब सिर्फ एक ही पॉसिबल वैल्यू है एक्स इज इक्वल टू जीरो जहाँ पे ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा, बिकॉज ये पूरा का पूरा मॉड टर्म चाहे जो भी हो तो कैंसिल आउट हो रहा है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। बड़ा सिंपल क्वेश्चन था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 29 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 इज द कंडीशन दैट एक्स क्यूब माइनस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स माइनस आर इक्वल टू जीरो मे हैव टू ऑफ इट्स रूट्स इक्वल टू इच अदर बट ऑपोजिट इन साइन इज। तो गिवन कंडीशन के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा ये पता करने के लिए सबसे पहले तो हम ये क्यूबिक इक्वेशन है तो ये एज्यूम कर लें कि इसके अल्फा बीटा और गामा जो तीन रूट्स होते हैं वो क्या क्या होंगे। सिंस यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि दो रूट्स इक्वल हो जाएं बट ऑपोजिट इन साइन हो जाएं, तो मान लेते हैं कि एक माइनस ए है तो दूसरा रूट ए है और तीसरा रूट मान लेते हैं बी है। ठीक है, इस तरीके से कुछ एज्यूम कर लिया हमने। अब सम ऑफ रूट्स, जो पहला कंडीशन हम लोग को पता होता है कि हम चाहे तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, तो अगर वो करेंगे तो माइनस ए प्लस ए और प्लस बी सब कुछ कैंसिल होकर सिर्फ बी आएगा। और इस क्यूबिक एक्सप्रेशन से कैसे उसको लिखते हैं, हम लोग लिखते हैं उसको माइनस, यहाँ पे माइनस पी है एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट, तो माइनस ऑफ माइनस पी डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब का कोफिशियंट जो कि वन है, तो इससे हमें वैल्यू आ गया पी। तो ये पता चल गया कि बी और पी सेम टू सेम है। दूसरा, हम लोग दो दो रूट्स के प्रोडक्ट का सम लिखते हैं, तो अगर मैं लिखूंगा यहाँ पे तो पहले बार में आएगा माइनस ए स्क्वायर, फिर आएगा ए बी और फिर आएगा माइनस ए बी। तो ये फॉर्मूला जो होता है वो होता है कोफिशियंट ऑफ एक्स बाई डिवाइडेड बाई कोफिशियंट ऑफ एक्स क्यूब, तो ये आ जाएगा क्यू बाई वन। तो यानी कि यहाँ से एक और चीज पता चल गया ये ए बी माइनस ए बी कैंसिल करके कि क्यू का वैल्यू माइनस ए स्क्वायर के इक्वल है, क्यू इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर। तो पी और क्यू के बारे में तो आइडिया लग गया है, पी किसके इक्वल था, बी के इक्वल। अब लास्ट जो कंडीशन होता है कि हम लोग अल्फा बीटा गामा सबका प्रोडक्ट कर सकते हैं, तो जैसे मल्टीप्लाई करेंगे आएगा माइनस ए स्क्वायर बी, और यहाँ पे हमने थर्ड में क्या किया बेसिकली, ये सेकंड में क्या किया हमने, अल्फा बीटा लिखा है प्लस बीटा गामा लिखा है प्लस गामा अल्फा लिखा है और कुछ नहीं। ऐसे ही थर्ड में क्या करने जा रहे हैं, अल्फा बीटा गामा लिखने जा रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो वो आ जाएगा माइनस ए स्क्वायर बी और फॉर्मूले के हिसाब से होता है माइनस ऑफ माइनस आर यानी कि कॉन्स्टेंट वो हो जाएगा डिवाइडेड बाई वन। तो यहाँ से पता चल गया कि आर का वैल्यू ए स्क्वायर बी है, तो माइनस ए स्क्वायर बी है। तो इसका मतलब ये है कि मैं आर को कैसे एक्सप्रेस कर सकता हूँ, पी इंटू क्यू। आप देख लो आर का वैल्यू पी इंटू क्यू करने से आ जाएगा, बिकॉज पी का वैल्यू बी है और क्यू का वैल्यू यहाँ पे माइनस ए स्क्वायर है, तो बस पी और क्यू का वैल्यू उठाकर हमने रख दिया है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड ऑल द 29 पी वाई क्यूज जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर से पूछे गए हैं एमयू ट्रिपल ई बीटेक के लिए। मिलते हैं नए वीडियो में नए चैप्टर के साथ जहाँ पे हम लोग और ढेर सारे पीवाईक्यूज को डिस्कस कर